तरीके से, ठीक है, वो सब हम लोग करते हैं। एक मिनट रुको, जरा स्पॉटलाइट वीडियो कर लेता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। इधर भी रिकॉर्डिंग भी ये वाली तो स्टार्ट ही ऑलरेडी। ठीक है गाइस, एक अपना छोटा सा बचा हुआ था, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बाय एरिया अंडर द कर्व मेथड, एरिया अंडर द एफएस ग्राफ। ये अपने एक चीज छोटी सी बची हुई थी, राइट। मैंने आपको बोला था कि वर्क डन का बेसिकली बेसिक डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज वर्क डन गाइस, वर्क डन होता क्या है बेसिकली। वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस। ये किया था कि नहीं अपन ने? सपोज अब अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सपोज एक ही लाइन में है, तो इट इज इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस, राइट। वर्क डन इज नथिंग बट वॉट, इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस। अब याद करो, याद करो थोड़ा सा। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग कभी भी ग्राफ बनाते थे वाई और एक्स का ग्राफ, और हम लोग बोलते सपोज ये ग्राफ में एक्स वन से लेके एक्स टू, एक्स वन से लेके एक्स टू के अंदर का सपोज तुमको एरिया निकालना है, ये तुमको एरिया निकालना है, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड दिस एरिया। तो हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, वाई डी एक्स, याद है, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाई एक्सिस वाला और डी एक्स, वाई डी एक्स फ्रॉम एक्स वन से एक्स टू, ये क्या होता था, एरिया अंडर द कर्व, राइट, एरिया अंडर द वाई एक्स ग्राफ, एरिया अंडर द वाई एक्स ग्राफ। तो अब एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, वाई के जगह मैंने वाई के जगह एफ डाल दिया, ठीक है, वाई के जगह एफ डाल दिया और एक्स के जगह एक्स ही रखा, ठीक है, तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एरिया क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, एफ डी एक्स बन जाएगा कि नहीं। सो यहां पे देखो एक्स वन से एक्स टू, तो मुझे बताओ सिर्फ वाई के जगह मैंने एफ डाल दिया, तो एफ डी एक्स एक्स वन से एक्स टू ये हो जाएगा मेरा एरिया। मुझे बताओ लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अरे इसी को तो वर्क बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते कि नहीं, इसी को वर्क बोलते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एरिया अंडर, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ, या एफ एस या एफ एक्स जो भी है। अब एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने एक्स लिया, आप लोग कभी एक्स लिखो कभी एस लिखो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग अलोंग वाई एक्सिस जा रहे तो डी वाई लिखेंगे, एफ वाई ग्राफ, कुछ भी हो सकता है यार, मतलब ठीक है। तो जो भी है, सो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ या एफ एस ग्राफ इज नथिंग बट वॉट वर्क। तो कभी भी ध्यान में रखना, एफ और एक्स का ऐसा कर्व दिया रहेगा, सो वर्क इज नथिंग बट वॉट, एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो भी एरिया होगा, तो आइदर आप एरिया, मुझे होता है एरिया निकालने के दो तरीके होते थे, कौन से दो तरीके होते हैं, कोई भी एरिया आपको फाइंड आउट करना है, दो तरीके होते हैं, दो मेथड होती है, कौन सी मेथड, आइदर आप ज्योमेट्री से करो, ट्रायंगल रेक्टेंगल, इसका एरिया डायरेक्टली पता होता है, फिर इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे एरिया कैसे निकालते हैं, अरे कुछ इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है ना, डायरेक्टली अपने ज्योमेट्री से कर लो, जो अपने ज्योमेट्री अपने पड़ी हुई है। या सेकंड चीज इंटीग्रेशन, कोई कोई कर्व वगैरह होगा तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको समझ में आएगा, पहले इतना लिख दो, वर्क डन बाय, वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर द एफएस ग्राफ। क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया था ऐसी, ठीक है, इतना ध्यान में रखना कि इसमें कोई कुछ अलग कुछ तोफ नहीं है, इजी है। इसका जो भी एक पार्ट पढ़ाने वाला हूं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी मुझे एक पार्ट पढ़ाने वाला हूं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देंगे एक, गाइस क्वेश्चन कर लेते हैं। सरप्राइज बाद में, सरप्राइज बाद में भाई, सरप्राइज जो आपको मैं देने वाला है वो सरप्राइज बाद में दूंगा, अभी नहीं, जो सरप्राइज है वो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा गाइस, ठीक है। चलो पहले मुझे बताओ, ये सबको सबका हो गया, लिख के हो गया, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस, सॉरी ये लिखो तब तक तुम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लिखते हैं, वर्क डन बाय, वर्क डन का एक एग्जांपल छोटा सा, ठीक है। अब एग्जांपल वन देखो, सपोज मैंने ऐसा दिया है, मेरा एक ये एफ एक्स ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा एफ एक्स ग्राफ है, मतलब क्या, एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा हुआ है, देखो यहाँ पे इस तरीके से दिया है,
ये फोर्स है, मतलब एक बॉडी है इसके ऊपर एक फोर्स लगाया हुआ है, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ये, मतलब ये इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। सो बेसिकली पार्टिकल, मतलब इसमें दिया रहेगा, अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज दिस, ये वो सब कुछ दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, पहले पहले फोर्स जो था, ठीक है, ऐसे था, और फिर फोर्स ऐसे है। तो अब मुझे बोला है, ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है x इज इक्वल टू 2 मीटर तक, फोर्स की जो वैल्यू थी यहाँ पे आ गई थी कुछ 10 न्यूटन, और x इज इक्वल टू यहाँ पे गया 6 मीटर तक, इतनी ही थी। तो बोला है फाइंड द नेट वर्क डन बाय फोर्स। तो मुझे बताओ इसमें, पहले तो मुझे बताओ फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट फोर्स, बताओ मुझे पहले, मुझे बताओ इस थ्रू आउट मोशन में फोर्स इज वेरिएबल या कॉन्स्टेंट, वो पहले बताओ। व्हाट डू यू थिंक, फोर्स इज वेरिएबल या कॉन्स्टेंट? एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे देखो ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा है, देखो यहाँ पे। तो पहले तो स्टार्टिंग में ये वाला जो लाइन है इसमें फोर्स इज वेरिएबल, यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स क्या है, 2 to 6 में फोर्स देखो 10 न्यूटन 10 न्यूटन, फोर्स कॉन्स्टेंट है, फोर्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ये समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ गाइस, इंटीग्रेशन, देखो मुझे पता है कि एरिया अंडर द इफेक्ट, जब किसी ने बोला वर्क निकालना है तो तुमको सबको पता होता है वर्क इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। लेकिन फिर इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला था, जैसे ये 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 इसका इसका इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर इसका इक्वेशन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेशन करना है, क्या आपको पता है डायरेक्टली इसका एरिया पता है, राइट? वर्क इज नथिंग बट वॉट, एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया इंटीग्रेशन से नहीं निकालना है, मैंने क्या बोला, एरिया निकालने के दो तरीके हैं, इंटीग्रेशन और बाय ज्योमेट्री। यहाँ पे सीधा ज्योमेट्री से निकाल दो, व्हाट इज एरिया, इसका और इसका एरिया कितना है, तो यहाँ पे 2 और 10, तो हाफ इंटू, मतलब ऐसा कर लेंगे अपन, हाफ इंटू 2 into 10, ठीक है। तो इसका तो एरिया हो गया 10, प्लस इसका एरिया कितना हो गया, 6 minus 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 minus 2 मतलब क्या, ये जो टोटल हो गया, देखो आप यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो एरिया हो गया ये हो गया 4 और ये हो गया 10, तो 10 into 4 कितना हुआ, 40, तो 10 into 4 40, तो 40 और यहाँ पे 10, तो आंसर कितना आएगा, 50 joule, तो 50 joule ये मेरा आंसर है एक्चुअली वर्क डन। समझ में आ रहा है सबको गाइस? सो वर्क डन नथिंग बट व्हाट, एरिया अंडर द एफएक्स ग्राफ। सिंपल चीज मैंने छोड़ के रखी थी क्योंकि उसका ज्यादा कुछ काम नहीं था। अब ऐसी कुछ कुछ चीजें जो इंटीग्रेशन वाली चीज है जो मैंने छोड़ के रखी थी अंदर, चलो इतना समझ में आया, ये समझ में आया सबको? अरे भाई देखो ना, यहाँ पे ये 2 है, ये 10 है, तो इसका एरिया कितना है, हाफ इंटू 2 into 10, तो इसका एरिया 10, इसका एरिया 4 into 10, और ये 10 न्यूटन दिया है ना यहाँ पे, दिस इज 10 न्यूटन, राइट? हाँ, सो यू कैन यूज बाय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम भी बेसिकली ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल से ही बनता है, सो यू कैन यूज डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको याद होगा वो, जिसको सपोज वो याद होगा फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट वगैरह जो भी फॉर्मूला होगा, याद होगा आपको तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, ये कर सकते हो, सेम ही चीज है यार, मैथमेटिक्स ही है यार वो, ठीक है। एग्जाम्पल 1 हो गया गाइस, एग्जाम्पल हो गया 1, एग्जाम्पल 1 हो गया, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 2, अब यहां पर देखो सपोज मैंने कुछ ऐसा दिया है, ये मेरा एफएक्स ग्राफ है इस तरीके से, और फिर ऐसे, ठीक है, और बोला है कि ये जो ग्राफ है गाइस, ये जो ग्राफ है उसका इक्वेशन दिया है एफ इज इक्वल टू 2x2, और ऐसा बोला है कि ये जो है, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोला x इज इक्वल टू, ये है 2 मीटर, और तो अब मुझे बोलो, अब मुझे यहाँ पे बताओ कि क्या होगा, मतलब
ठीक है, x इक्वल टू 2 मीटर है और लेट्स से यहाँ पे x इक्वल टू लेट्स से 4 मीटर है। तो अब बताया है कि यहाँ पे फाइंड द एरिया, फाइंड द वर्क डन बाय, यहाँ पे x इक्वल टू 4 मीटर है और ये 0 है। तो यहाँ पे बोला है कि फाइंड द एरिया, मतलब फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है ठीक है बाय दिस फोर्स। पहले तुम लोग खुद करो, तुम लोग खुद करो, खुद करो पहले क्वेश्चन, बस इतना ही दिया है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना ही दिया हुआ है। हाँ, सेकंड वन इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज पैराबोला एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये दिया हुआ है, दिस इज स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज पैराबोला। इतना ही दिया है, वो बाकी आपको सोचना है। कोई बोला सर हाइट कितना है, हाइट भी आपको सोचना है, सब वो सब आपको सोचना है। आपको दे रहा हूं 2 मिनट दे रहा हूं मैं, टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट दो लो, मतलब चलो। सो गाइस यहां पे देख लो, पहले तो मुझे बताओ ये 2 मीटर है तो कोई बोल सकता है कि ये कितना है भाई? ये देखो ये कर्व है राइट, इसका इक्वेशन क्या है, f इज इक्वल टू 2x कर, तो x इक्वल टू 2 यहां पे डाल दो ना, तो इसको निकालने के लिए फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, अब x इक्वल टू 2 पे देखो ना यहाँ पे, तो x इक्वल टू 2 होगा तो f कितना होगा, फोर्स कितना होगा, 2 स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, तो आंसर कितना हुआ यहाँ पे 8 राइट, 8। तो पहले ध्यान में रखना ये जो चीज है आपको निकालना पड़ेगा, F इज इक्वल टू 8 न्यूटन, ये आपको निकालना पड़ेगा राइट। अब इसमें दो चीजें, मुझे बताओ क्या दोनों हम लोग ज्योमेट्री से कर सकते हैं? मुझे पता है कि वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व मतलब आप देखोगे इसमें दो टाइप के एरिया है, एक ये एरिया है ठीक है और एक ये एरिया है, इन दो एरिया को अपने को एड करना पड़ेगा राइट। क्या मुझे बताओ कि दोनों एरिया ज्योमेट्री से निकलेंगे? नहीं, पहला एरिया इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला कुछ कर्व वाला है ज्योमेट्री से नहीं निकाल सकते हैं। देखो इसीलिए अच्छा क्वेश्चन हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, नीट में थोड़ा सा अच्छा, जेई मेन में नॉर्मल ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, स्टार्टिंग में यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन, तो ये वाला एरिया निकालने के लिए, ग्रीन वाला एरिया, तो ग्रीन ही लिखता हूं मैं, तो ग्रीन वाले एरिया के लिए यू नीड टू यूज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, एफ ठीक है डीएक्स, लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेके 2, प्लस ये वाला जो एरिया होगा वो तो अपना किससे होगा, ये सेकंड जो एरिया है वो तो अपना डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना है, सो बेस इज 2 इंटू हाइट इज कितना 8, ये तो डायरेक्टली मिल गया। तो एक इंटीग्रेशन और एक ट्रायंगल, अब इंटीग्रेशन का फटाफट अलग से कर लो भाई, तुमको चाहिए तो इंटीग्रेशन का मैं पहले हाफ फिट कर लेता हूँ, 0 से 2 f की वैल्यू कितनी है, 2x square dx, तो इसका आंसर आएगा गाइस 2 into x cube by 3, ये इसका इंटीग्रेशन है राइट। लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेके 2, एक बार 2 डालो, एक बार 0 डालो, एक बार 2 डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 cube, मतलब क्या 8 into 2 16 by 3, तो आंसर आएगा 16 by 3। तो गाइज इसका जो आंसर है वो आएगा 16 by 3, उधर से कैलकुलेट किया, और इसका आंसर आएगा 8 बराबर।
तो आंसर कितना है यहां पे? ये सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया कि नहीं आया ये पहले बताओ। राइट 40/3, तो 40/3 इज माय आंसर। सो 40/3 जूल इज माय आंसर। चाहिए तो इसको ऐसे ही रख देता हूं मैं, मतलब एक ये कलर कोड लिखता हूं, तो दोनों का आंसर आ गया। तो ऐसी टाइप के मतलब क्वेश्चंस आएंगे एरिया अंडर द कर्व के लिए, मतलब एफएक्स ग्राफ का डायरेक्टली आपको एरिया निकालना होता है। ठीक है, चलो एग्जांपल वन एग्जांपल टू दोनों हो गए। ठीक है, एग्जांपल वन और एग्जांपल टू दोनों हो गए गाइस। थोड़ा सा आगे बढ़े गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। चलो अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हम लोग ने जनरली मतलब मुझे होता जो भी हम लोग ने टाइप के फोर्सेस हम लोग ने मैकेनिक्स में देख रहे हैं, हम लोग ने सिर्फ पांच टाइप के फोर्सेस देखे थे, मतलब पांच टाइप के फोर्सेस नहीं, फाइव फोर्सेस के बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअली याद है आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग बोलते थे देर आर लाइक थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब बॉडी का कॉन्टैक्ट नहीं है, इफ देर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट होने की जरूरत नहीं है। राइट, याद है? फिर दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? आइदर नॉर्मल फोर्स नहीं तो फ्रिक्शन। ठीक है, आइदर नॉर्मल फोर्स नहीं तो फ्रिक्शन। और फिर तीसरा था अपना स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब हम लोग पढ़ते थे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे थोड़े से बड़े हो गए गाइस। ठीक है, तो हम लोग अभी वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं। तो वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग फोर्सेस को दो टाइप में कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ फोर्सेस में दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वन इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड द सेकंड वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दिख रहा है? थोड़ा सा मुझे लगता है ग्रेइश कलर है तो दिख नहीं पा रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, देखने की कोशिश करो। वन इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव, एंड द सेकंड वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, फोर्स लिखना जरूरी है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? यहां पे लिखा है, देखो यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स होता है वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। मैं यहां पे लिखता हूं, चाहिए तो वर्क डन, मैं इसके ऊपर ही लिखता हूं क्योंकि थोड़ा सा वो है, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या पता है? व्हाट इज वर्क डन बाय पाथ इज इंडिपेंडेंट का मतलब, वर्क डन बाय पाथ इज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि सपोज सपोज ये मेरा एक पोजीशन है, जैसे इसको बोलता हूं मैं ए पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन। मैं एक पार्टिकल को या एक मास को फाइनल पोजीशन में लेके गया, तो मैं इनिशियल से इधर लेके गया। अब मैं पहला पाथ इधर, मतलब मैंने उसको ऐसे ऐसे करके लेके गया, या कभी मैं इसको ऐसे 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 करके लेके गया, या कभी मैं तीसरे पाथ से लेके गया। कोई भी पाथ चूज करो, कोई भी पाथ चूज करो, वर्क डन अलोंग पाथ वन, पाथ टू एंड पाथ थ्री सब सेम है। देखो ना, वर्क डन इन पाथ वन, अलोंग पाथ वन टू थ्री, ये सारा का सारा सेम है। कौन सा एग्जांपल अपन ने देखा था याद करो, वर्क डन में इसमें कौन सा एग्जांपल अपन ने देखा था याद करो? याद है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अरे इनिशियल है, फाइनल है, ऐसा जाके आएगा, ऐसे आएगा, या घूम के आएगा, कहीं से भी आएगा। वर्क डन बाय पाथ, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट। हम क्या करते थे? mg एंड mg के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, सबको याद है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, सीधा हम लोग डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस लेते थे, और ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में, इधर प्लस या माइनस, प्लस एंड माइनस mgh। तो ग्रेविटी फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो जितने भी इसको हम लोग बोलते फील्ड, फील्ड है वर्ड बाद में मैं यूज करूंगा, फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्स मतलब क्या? आपने कभी सुना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, ये वर्ड आप सुनोगे बाद में या कभी सुना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे जो फील्ड के फोर्सेस होते हैं ना, ये सारे के सारे कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। थियोरेटिकल, थियोरेटिकल याद रखना, ऑल द फील्ड फोर्सेस दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसे क्या उसके एग्जाम्पल्स में दूंगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे दिया है ग्रेविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक। हम लोग अभी अपने मैकेनिक्स में सिर्फ
इस साल तो अपने को काम का है सिर्फ ग्रेविटी फोर्स, तो अपन तो ग्रेविटी की फोर्सेस के बारे में, एक अगले साल अप्रैल मई में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स सबके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए कुछ नहीं, अभी के लिए अपना कंजर्वेटिव फोर्स एक ही है, कौन सा? ग्रेविटी। और एक फोर्स है जो कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं अपने लिए, मैकेनिक्स के लिए अभी कुछ अराउंड 4 से 5 महीना और, ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और दूसरा है स्प्रिंग फोर्स। क्योंकि अपने को तो ये पांच जो 5 फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ही लेना देना यार, उसमें ग्रेविटी फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्स। थ्योरेटिकली समझ में आया, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस थ्योरेटिकली। अब सेकंड टाइम है, सेकंड टाइप है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलेंगे गाइस? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब गाइस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में होता है वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, यहाँ पे बाजू में लिखता हूं चाहिए तो, यहाँ पे वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट मतलब भाई पाथ के ऊपर डिपेंड है, मतलब एक बॉडी को मैं इनिशियली यहां से मैं यहां पे लेके जाऊंगा, सपोज मैंने ऐसे लेके गया और मैं सपोज ऐसे लेके गया, दोनों में वर्क अलग अलग होगा। सो वर्क डन अलोंग पाथ वन इज नॉट इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ टू, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कुछ लोग बोले सर फिर टेंशन एंड नॉर्मल किसमें आता है? ठीक है, टेंशन एंड नॉर्मल किसमें आता है? तो कभी कभी क्या होता है टेंशन, यार देखो टेंशन ना डिफाइन नहीं कर सकते, टेंशन एक्चुअली एक एक्सटर्नल फोर्स है ना, मतलब टेंशन जो होता है कभी कभी हम एक्सटर्नली भी एक स्ट्रिंग लगा के उसको खींच सकते हैं, तो टेंशन कैन बिकम एक्सटर्नल फोर्स। तो तीसरा टाइप का फोर्स जो यहाँ पे नहीं है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल फोर्स पकड़ते हैं उसको एक्सटर्नल। ठीक है, मतलब कोई हमने डाला, दोनों हो सकता है, वो कंजर्वेटिव हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग डालते हैं इधर इट कैन बी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, दोनों हो सकता है, वो डिपेंड कि आप किस टाइप का फोर्स डाल रहे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, टेंशन मतलब अभी के लिए आप इतना लिखो, जो मैंने 5 टाइप के फोर्सेस में जो बता रहा था इसमें कितने फोर्सेस मैंने आपको बताया यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन से फोर्सेस है? ग्रेविटी एंड स्प्रिंग। कुछ लोग बोलेंगे सर स्प्रिंग कंजर्वेटिव कैसे? बताऊंगा मैं, टेंशन मतलब। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स ये दोनों कंजर्वेटिव नेचर के हैं, फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव नेचर। What is conservative? Theoretically, work done is path dependent. मतलब work done along path 1, 2, 3 same होता है, तो work done is path independent, then it is conservative. Work done by path dependent, then it is non-conservative. समझ में आ रहा है? चलो लिखो यहाँ पे। अब टेंशन मिशन का मत पूछो, टेंशन और नॉर्मल फोर्स का दोनों का मत पूछो, इतने तीन फोर्सेस के बारे में पहले लिखो आप लोग। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा भाई, टेंशन मत लो, लिखो इसको। चलो थेरी पढ़ा के मैं 3 बजे तक खत्म कर दूंगा, मतलब ऑलमोस्ट अपना वर्क एनर्जी पावर का थेरी खत्म हो जाएगा, पावर छोड़ूंगा मैं पावर। ठीक है, तो मेरा जो एक नेक्स्ट लेक्चर है पावर, तो उसमें लास्ट एकदम स्टार्टिंग में मैं आधे घंटे का पावर का थेरी बताऊंगा, बस ज्यादा नहीं हो, आधा घंटा ही है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्विंग। तो अगला लेक्चर में अपन आराम से सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर दोनों का क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, कुछ एक्सियोमा से होंगे, कुछ अपने होंगे। ठीक है, फिर ये हफ्ता, दिस इज द लास्ट वीक गाइस, अपना लास्ट वीक है मैकेनिक्स का, मतलब मैकेनिक्स इसके बाद मैं पॉज कर रहा हूँ, मैं पॉज करने वाला हूँ, उसके बाद 2 महीने का मैकेनिक्स और बचा हुआ है, जिसमें सेंटर ऑफ मास कोलिजन, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब चैप्टर्स बचे हैं। ठीक है, तो मैं अभी पॉज करके आई विल मूव टू हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड देन आई विल कम बैक टू अगेन मैकेनिक्स,
क्योंकि बहुत ज्यादा मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना तो लोग बोर हो जाते हैं, लोग बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा मैकेनिक्स हो गया, अब इतना नहीं पढ़ना है मुझे। तो हम लोग एक महीने का ब्रेक लेंगे मैकेनिक्स से, वन मंथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है गाइस, जो सबके लिए नया होगा। आज 3 बजे के बाद मतलब आफ्टर द ब्रेक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो होमवर्क में मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे ना, तो कुछ एचसी वर्मा के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां से, ठीक है। दिवाली का वेकेशन अच्छा खासा बड़ा है ना, आपको बोला है ना 6-7 दिन का है शायद, राइट, पूरे वीक का आपका दिवाली वेकेशन है, राइट, यस, 1 वीक का है। घूम के आओ मतलब क्या, घर पे ही रहोगे, मजा मारो, हाँ बस सेल्फ स्टडी करो, बैकलॉग, हाँ दिवाली में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसका मैं बताऊंगा ना आपको। नहीं, हाँ एग्जाम अभी वो ठीक है आपका, वो स्कूल का है, कॉलेज के एग्जाम अभी मतलब आप आपके हिसाब से कर लो, ठीक है। चलो चलो यहाँ पे अब मुझे बताओ, ये समझ में आ गया आपको गाइस, ये समझ में आया। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वन इज कंजर्वेटिव फोर्स जहां पे वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, एंड द अदर वन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वेयर द वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। तो सबसे एग्जांपल यहाँ पे था क्या, ग्रेविटी एंड स्प्रिंग का था, जैसे यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड फ्रिक्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। चलो अब एक काम करो गाइस, अब थोड़ा सा ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन दूं मैं, अच्छे लेवल का, सब लोग गाइस अभी नीट वाले लोग बोलेंगे सर इतना अच्छे लेवल का हम लोग क्या करेंगे, सुन लो ना, देख लो एक बार, देखने के लिए क्या है, देखो देखने में किसी का प्रॉब्लम होता है क्या, कुछ नहीं होता, देखने को क्या है, नहीं आया अच्छी बात है, आया तो देखो नीट में ऐसा क्वेश्चन सपोज आया तो फिर वो डर नहीं लगेगा, मतलब नीट या जेई मेन में, मैं नीट एंड जेई मेन दोनों, क्योंकि नीट एंड जेई मेन का फिजिक्स सेम लेवल पे, जेई मेन में थोड़ा से क्वेश्चन ऐसे होते कि जो अपर लेवल के होते, मतलब नीट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते लास्ट के 20-30% क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसे होते कि जो जेई मेन के लेवल के होते, नीट वाले क्वेश्चन, एंड जेई मेन में भी कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो नीट वाले लेवल के होते हैं, सो देयर इज अ ओवरलैप बिटवीन नीट एंड जेई मेन, ठीक है, इसीलिए हम लोग फिजिक्स में नीट एंड जेई मेन साथ में ही करना चाहिए, हाँ बस कुछ क्वेश्चन ऐसे जो डिफिकल्ट होते हैं जेई मेन के, जो एडवांस में भी पूछते हैं, वो नीट वालों को जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ बट दर्शन सपोज हो गया तो क्या फर्क पड़ता है भाई, जो टॉपर लोग होते हैं, जो इंडिया में टॉप करते हैं, जो एम्स में जाते हैं, जो अच्छे कॉलेज में जाते हैं टॉप में, वो लोग तो पता है जेई मेन का, नीट वाले लोग जेई मेन के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, वो बाद में बताएंगे अभी, ठीक है, टेंशन मत लो, कैसे कैसे स्ट्रेटेजी क्या क्या होती है वो बताएंगे बाद में आपको, अभी यहाँ पे सब लोग देखो। सो इस क्वेश्चन में अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो, आपको एक बात मतलब मुझे बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था, कंजर्वेटिव फोर्स का बेस्ट एग्जांपल कौन सा था, कंजर्वेटिव फोर्स का बेस्ट एग्जांपल कौन सा था, ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब मुझे बताओ ग्रेविटी का हम लोग ने क्या डिफाइन किया था, कि मैंने बोला कि एक ब्लॉक इधर है इनिशियली, ठीक है, ये ब्लॉक इनिशियली यहाँ पे है, ये मेरा इनिशियली यहाँ पे ब्लॉक, ठीक है, अब ये ब्लॉक घूम के ऐसा ऐसा करके इधर चला गया फाइनल, अब मुझे बताओ ये सीधा ऐसे चला गया या फिर ऐसे चला गया फिर या ऐसे करके ऐसे आया, मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहता था, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, एमजी, डिस्प्लेसमेंट इधर भी नहीं होता था, क्या करते थे हम लोग, सीधा का सीधा ये वाला डिस्प्लेसमेंट mg और ये वाला डिस्प्लेसमेंट, याद है आपको, हम लोग ने ये सब चीजें की थी, हम लोग ने बोला था कि ये इसका इनिशियल, ये इसका फाइनल और mg एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग बोलते थे भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh, क्योंकि mg एंड h दोनों, मैंने बताओ अब तक इसका मैंने प्रूफ दिया था क्या मैंने इसका प्रूफ दिया था आपको, मैंने आपको बोला था इसका मैं प्रूफ दूंगा, ठीक है, लेकिन अब तक मैंने इसका प्रूफ नहीं दिया है, राइट, मैंने अब तक प्रूफ नहीं दिया, मैंने बोला कि चलो यार mg और h, mg एंड h सेम डायरेक्शन में, तो मैंने mgh लिख दिया, लेकिन प्रूफ तो था ही नहीं, प्रूफ तो मैंने दिया ही नहीं था, राइट, हाँ तो अभी हम लोग प्रूफ, इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है, इसके प्रूफ के पहले एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, ठीक है, इसके प्रूफ के पहले छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ, एक मिनट,
अब हम लोग देखेंगे गाइस, मैं दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन, एक जस्ट एक आपको याद आ जाए थोड़ा सा कि हमने क्या किया था। मुझे एक बात बताओ, सपोज मैंने बोला फोर्स इज इक्वल टू, लेट्स से फोर्स इज इक्वल टू सपोज 3x, ठीक है। अब फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, सपोज मैंने ऐसा बोला है कि यहां पे मैंने ऐसे बोला कि एक फोर्स है, ठीक है, और द फोर्स इज इक्वल टू 3x व्हिच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इस बॉडी के ऊपर, मास के ऊपर सपोज फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना है, f इज इक्वल टू 3x, इतना फोर्स है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जो फोर्स इक्वल टू 3x बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है एंड बॉडी इज मूविंग फ्रॉम, जैसे मैंने बोला कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है 0.0 से, ठीक है, 2.0, तो मुझे तो वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है। ये जो 15 मिनट है ना, ये 15 मिनट एक्चुअली कुछ कुछ पार्ट इसका नीट में पूछा जाता है, नीट एंड जेई मेन में, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन नीट में भी पूछते हैं इंटीग्रेशन के, नॉर्मल वाले इंटीग्रेशन के, ठीक है। तो ऐसा मत बोलो कि इंटीग्रेशन मतलब नीट में नहीं आता, नहीं, ऐसे क्वेश्चन में तो आएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ f = 3x से कैसे करेंगे, वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो पहले मुझे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू ds, याद है, एफ डी एस, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो मैं एफ डी एक्स लिख देता हूं। अब इसको मैं क्या करूंगा गाइस, इसको मैं क्या करता हूँ, फोर्स की जगह हम लोग क्या डालते हैं, 3x डालते हैं और ये dx डालते हैं, मतलब ds की जगह dx लख दिया मैंने, f की जगह 3x कर लिया मैंने, मतलब इस तरीके से, राइट, और ds को मैंने dx लिख दिया, सिंपल। एंड इट वेरीज फ्रॉम 0 से लेके क्या, इट वेरीज फ्रॉम 0 से लेके 2, राइट। आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, 3x square by 2 लिमिट फ्रॉम 0 से लेके 2, बराबर। अपना फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर n dx वाला फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो आंसर कितना है यहाँ पे, 2 2 डाल दिया आपने को, 4 4 3 12 12 बाय 2 इज 6, तो आंसर आया 6 जूल। सबको याद है क्वेश्चन कैसे करना है, सबको याद है क्वेश्चन कैसे करना है, 6 जूल, ये जे मतलब जूल है, कुछ लोग बोलेगा सर ये क्या है, जूल, ठीक है, ये समझ में आया, ये सबको याद है, ऑलमोस्ट सबको याद होगा, मतलब जिनका मैथ्स वीक होगा, जिनका कैलकुलस वीक है, भाई पढ़ लो एक बार कैलकुलस, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन डी एक्स सर याद ही नहीं है, भाई वो आपका काम है, ठीक है, याद करना। अब गाइज अब हम रूल बनाएंगे, द रूल इज, हमेशा ध्यान में रखना, सब टाइप के क्वेश्चन करने के लिए रूल क्या है, कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया ना, हमेशा हम लोग अभी ds वेक्टर को, ये ds वेक्टर है एक्चुअली, ठीक है, तो ds वेक्टर को हम लोग लिखेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। अब जनरली k कैप वाले आता नहीं है, लेकिन हम अब से ds वेक्टर को क्या बोलेंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। सो कभी भी मैं बोला ds वेक्टर तो क्या लिखेंगे आप, ds dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, हमेशा ये लिखने का, ठीक है। अब यहां पे देखो फोर्स अलोंग 3x है, तो मुझे बताओ इस केस में फोर्स वेक्टर क्या होगा आपके हिसाब से, फोर्स वेक्टर अभी क्या दिख रहा है आपको, फोर्स वेक्टर क्या दिख रहा है, 3x अलोंग x एक्सिस, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 3x क्या लिखेंगे, i कैप, बराबर कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को अभी एक सेकंड मेथड, देखो ये वाला मेथड तो हो गया सॉल्व, दिस इज मेथड 2, अब हम लोग सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। मेथड 2 क्या है, ds वेक्टर को ऐसा लिख दिया, f वेक्टर को i कैप, मतलब i कैप एंड j कैप, मतलब वेक्टर टर्म में लिखने का। और मुझे होता है एक्चुअल वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल वर्क डन का जो डेफिनेशन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डॉट ds वेक्टर की नहीं, मुझे होता है f into ds तो है नहीं, क्या है, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, बराबर। अब मुझे बताओ इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो कौन सा कैप बचेगा सिर्फ, अरे कौन सा कैप बचेगा सिर्फ, आई कैप बचेगा ना सिर्फ, आई डॉट आई, आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, याद है कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आई बचता है, जे जे आई आई जे जे के याद है। तो यहां पे क्या बचेगा सिर्फ, यहां पे क्या बचने वाला है सिर्फ, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा,
एफ डॉट डी एस, तो क्या बचेगा, थ्री एक्स डी एक्स बचेगा ना, समझ में आ रहा है क्या? फाइनली तो वही किया अपन ने, फाइनली वही किया अपन ने। तो मुझे बताओ अब से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स वेक्टर को, फोर्स वेक्टर को किस फॉर्म में लिखेंगे, फोर्स वेक्टर को किस में लिखेंगे, फोर्स वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, डीएस वेक्टर को भी इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप। अब तुम बोलोगे सर इतना लॉन्ग मेथड क्यों आप बोल रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा इतना लॉन्ग मेथड की जरूरत क्या है हमको सर। सोच रहे होंगे ना तुम लोग यार, तुम लोग क्या सोचने के लिए कुछ भी सोचोगे कि सर इतना लॉन्ग मेथड की जरूरत है ही नहीं, आप तो ऐसा सब कुछ क्यों करवा रहे हो। ठीक है चलो अब यहां पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है सब यहां पे देखो अभी कैसे फटाफट क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, मेथड क्या बताई यहां पे देखो, मेथड क्या बताई थी यहां पे देखो, मैंने जो मेथड आपको यहां पे बताई थी, मेथड क्या बताई थी, मेथड में कभी भी फोर्स वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिखना है, एंड डीएस वेक्टर को क्या लिखना है, डीएक्स आई कैप डीवाई जे कैप डीजेड के कैप। चलो इतना सबको मुझे बताओ समझ में आया, और फिर इसको यूज करके वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होता है, और इसके लिमिट्स जानने के। अब लिमिट्स कैसे जानने के बताए, एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन और एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू, ठीक है इसको प्रॉपर तरीके से लिखो, इसको प्रॉपर तरीके से लिखो पहले, ठीक है कोई भी, दिस इज फॉर गुड क्वेश्चन नीट, मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आएंगे नीट प्लस प्लस लिखता हूं मैं एंड जेई मेन प्लस, मतलब जेई मेन में भी अच्छे लेवल के, नीट में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इस के ऊपर आएंगे, ठीक है। जनरली मैं एकदम लास्ट क्लास में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला आज जरा फ्रेश है तो तीन बजे तक जरा अच्छी चीजें पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है बहुत ही थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, क्या है ना लास्ट में तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आदमी फ्रेश होता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट चीज आज पढ़ा दिया हमने, क्योंकि आज वैसे भी पांचवा लेक्चर, चौथा लेक्चर अपना हुआ ही, मतलब एक्चुअली अब चौथा ही लेक्चर है आज का, क्योंकि चौथा लेक्चर में अपने स्टोरी सुनाया था, फोर्थ फोर एंड हाफ, मतलब चौथे का नेक्स्ट हाफ वाला लेक्चर है, ठीक है। चलो ये मुझे होता समझ में आ रहा है, इतना मुझे होता समझ में आ रहा है सबको, एग्जाम्पल देंगे तो और समझ में आएगा, एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। सो हाउ टू यूज दिस एंड सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, हाउ टू यूज दिस मेथड एंड सॉल्व द क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। सब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन सब यहाँ पे देखो, लास्ट स्लाइड किसी को चाहिए लिख के रखो भाई, किसी को लास्ट स्लाइड चाहिए तो लिख के रखो, मैं एग्जांपल देने ही वाला हूँ, वही वापस एग्जांपल देने वाला हूँ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अब हम लोग क्या करेंगे ना गाइस, जो ब्लॉक है उसको टू डायमेंशन में मूव कराएंगे, टू डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल टू, इसका ये हो गया लिख के हो गया, अरे इसका लिख के ये लिख के हो गया क्या, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल टू कर लेते हैं, नहीं चलो एग्जाम्पल वन कर लेते हैं, टू डायमेंशन का है, टू डी, टू डायमेंशन, टू डी मतलब अब यहां पे देखो क्या है, एग्जाम्पल देखो क्या है, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है गाइस। सो ब्लॉक ये जीरो कॉमा जीरो है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। ब्लॉक इनिशियली यहां पे है, सो ब्लॉक इनिशियली एस वन कॉमा टू पॉइंट पे, ब्लॉक फाइनली जा रहा है लेट्स से थ्री कॉमा फाइव पॉइंट पे, ठीक है। अब मुझे बताओ ये इनिशियल है ये फाइनल, ब्लॉक इधर से इधर गया, कहीं पे भी यहां पे पाथ का मेंशन है क्या, कहीं पे भी मैं वन से इधर लेके जा रहा हूं, कभी भी पाथ का मेंशन है ही, ठीक है। हाँ बट यहां पे एक चीज दी है, देखो यहां पे एक चीज दी है, ऑलवेज देर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, देर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एंड इट इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस,
एफ इज, अब मैंने ऐसा समझ में मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फोर्स जो है, वन कॉमा वन लेते हैं, ठीक है, वन कॉमा वन और यहाँ पे थ्री कॉमा फोर, ठीक है. चलो, अब फोर्स इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस गाइस, फोर्स इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस, एंड फोर्स का वैल्यू यहाँ पे दिया है लेट्स से 2x, ठीक है. मैं यहां पे लिखता हूं फोर्स इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस. मुझे बताओ क्या ये फोर्स वेरिएबल है, क्या ये फोर्स वेरिएबल है? है 2x, मतलब x के साथ साथ बदल रहा है. क्या इस फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है? क्या ये फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो रहा है? क्या इस फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है? नहीं बदल रहा है. तो दिस इज वेरिएबल फोर्स, बट दिस फोर्स इज ऑलवेज अलोंग एक्स एक्सिस, फोर्स हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस है. कैन यू फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स गाइस, कैन यू फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स? कैन यू फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स? Can you find work done by this force? When the block is moving from 1,1 to 3,4. 3,4. अब guys, ये question अच्छा क्यों है? मैं इसको वापस बोलूंगा, इसने नीट में अच्छा लेवल एंड इवन जेई का अच्छा, मतलब जेई में का क्वेश्चन है गाइज, ठीक है. तो नीट प्लस प्लस क्वेश्चन है, नीट प्लस एंड जेई का क्वेश्चन है, जेई मेन, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस, आपको मेथड पता होनी चाहिए, ठीक है. मेथड पता होनी चाहिए हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय दिस काइंड ऑफ फोर्सेस. यहाँ पे सब लोग देखो, मुझे बताओ गाइस, हमने जो बताया था फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर को क्या लेना होता है? मुझे बताओ, फोर्स वेक्टर को मैं यहाँ पे लिखूंगा तो फोर्स वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? फोर्स वेक्टर को क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2x i कैप, बिल्कुल. डीएफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं? डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस डीजेड के कैप, ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताओ मुझे? अरे फोर्स वेक्टर को ये लिखूंगा, डीएस वेक्टर को ये लिखूंगा, ठीक है. मुझे बताओ व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, लिमिट्स कहां से कहां पे? 1,1 to 3,4. इसके हिसाब से देखो ना, मैंने x1, y1, z1, ऐसा कभी इंटीग्रेशन आपने देखा नहीं है, अभी देख लिया. इस टाइप का इंटीग्रेशन अभी आपने देख लिया, राइट? इस टाइप का, ठीक है. ऐसे कुछ लिखे जाते हैं, ऐसा कुछ लिखा जाता है. अब एफ डॉट डी एस करेंगे तो क्या बचेगा बताओ मुझे? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बचने वाला है? एफ डॉट डीएस क्या बचने वाला है? सिर्फ आई कैप बचेगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 2x dx बचेगा. अरे जे कैप तो है ही नहीं ना भाई, जे कैप एंड के कैप तो कुछ काम का ही नहीं है. अब मुझे बताओ, जब इंटीग्रेशन में इनका करूंगा 1,1 एंड 3,4, कोई मुझे यहां पे बता सकता है कि वाई कोऑर्डिनेट का कुछ काम है क्या यहां पे? क्या यहां पे कोई y कोऑर्डिनेट का कुछ काम है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या आया? x2 / 2 कैंसल, तो हम ब्रैकेट में डालेंगे x2 और ब्रैकेट में समेत इंटीग्रेशन की लिमिट जब डालता हूं तो यहां पे भाई ये 1,1 है और ये 3,4 है. भाई यहां पे 4 एंड 1 का कुछ काम ही नहीं है, अरे y कोऑर्डिनेट का कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ 3 का काम है, 1 का काम है. देखो तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए? यहां पे आंसर क्या आएगा? 3² - 1² दैट इज 9 - 1, दैट्स ऑल. अब कोई बोलेगा सर क्यों काम नहीं है? अरे कोई बोलेगा मुझे बताओ यहां पे क्यों काम नहीं है वाई कोऑर्डिनेट का? यहां पे वाई का टर्म दिख रहा है क्या आपको? यहां पे टर्म है एक्स का, 1 एंड 4, जो y कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड x2, y2, यहां पे कोई y का काम ही नहीं है. आपको समझ में आ रहा है?
आपको समझ में आ रहा है? यहां पे इंटीग्रेशन में वाई का कुछ काम है क्या? नहीं है। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका इसका और मुझे एक बात बताओ, यहां पे इस ब्लॉक को इधर से इधर में पाथ नंबर वन से लेके जाता, पाथ नंबर टू से लेके जाता, या कुछ ऐसे लेके जाता पाथ नंबर थ्री से? सब जगह पे वर्क डन बाय पाथ सेम होता कि नहीं होता? वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय पाथ टू, वर्क डन बाय पाथ थ्री, क्यों? और हर एक की वैल्यू कितनी आती? 8 जूल ही आती कि नहीं आती, बताओ मुझे? क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, मुझे बताओ, ये मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन में कहीं पे पाथ का मेंशन ही नहीं है। नोवेयर यहां पे पाथ का, देखो देखो देखो, यहां पे पाथ का मेंशन कहीं पे भी है क्या? देयर इज नो पाथ का मेंशन इन दिस क्वेश्चन, राइट? तो इसीलिए ये जो फोर्स हो गया, दिस फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। सो दैट्स व्हाई दिस फोर्स इट बिकम्स कंजर्वेटिव फोर्स। कोई बोल सकता है फोर्स किसकी तरह दिख रहा है? स्प्रिंग फोर्स की तरह दिख रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स की तरह, एफ इज इक्वल टू के एक्स टाइप का फोर्स दिख रहा है। मुझे तो ये समझ में आया सबको गाइस, ये समझ में आया? ये समझ में आया? चलो चलो आगे आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े आगे बढ़े। नहीं, इसको नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते गाइस, मैं इसलिए बोला ये नीट के ऊपर का लेवल का क्वेश्चन है, नीट ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, आपको इसी मेथड से करना है और कोई मेथड से करना नहीं, ठीक है? क्योंकि ये टू डायमेंशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है? टू डायमेंशन वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली कहते हैं ना, टू आइडेंटिफाई वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, जनरली नीट के लोअर लेवल में पूछते नहीं है, नीट में अच्छे लेवल में या जेई मेन में पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है? और जेई एडवांस, जेई मेन में पूछेंगे तो जेई एडवांस में तो पूछ ही सकते हैं, जेई एडवांस में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है? चलो ये लिख के हो गया आपका, लिख के रखो इसको। इसके ऊपर ज्यादा मैं मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा, मुझे और एक थ्योरी आपको बतानी है, ठीक है? वाई कोऑर्डिनेट का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ही दिया हुआ है, फंसाने के लिए दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट का कुछ भी यहाँ पे काम नहीं आया, ठीक है? चलो, मतलब ये थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट मैंने अभी पढ़ा दिया, क्योंकि ये पार्ट फिर रह जाता तो टफेस्ट पार्ट मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया आपको कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है? इसके ऊपर के और टफ लेवल के जो क्वेश्चंस है वो मैं आप आज शाम के लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है? आज शाम के लेक्चर में थोड़े से और टफ वाले क्वेश्चन, इसी टाइप के और डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है? चलो एग्जाम्पल टू लेते हैं इसके ऊपर और फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग देखो एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू ले लेते हैं, ठीक है? तो किसी का क्या पता, एक मिनट होगा, एक मिनट रुको गाइस। हाँ, सब लोग यहां पे देखो, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, ठीक है? अब एग्जाम्पल टू देखो, ये मेरा x एक्सिस है, मेरा y एक्सिस है, ठीक है? एक ब्लॉक है m, यहां पे रखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट है लेट्स से सपोज x1, y1, ठीक है? और ये मैंने लेके गया यहां पे, ठीक है, x2, y2, यहां पे लेके आया। कौन से पाथ से? कोई भी पाथ से, ठीक है? कोई भी पाथ से मैं लेके आया इसको, मैं ऐसे लेके आया। चलो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखते हैं हम लोग? हम लोग अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी का मैं आपको ये दे रहा हूं, इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखते हैं? जीरो जीरो क्यों लिख रहे लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, जीरो जीरो क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखते हैं यहाँ पे? एम जी नीचे और एम जी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ मुझे, यहाँ पे आंसर क्या होगा? एमजी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। इसका ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है,
कोई बोल सकता है व्हाट इज ग्रेविटी का वर्क डन? यस राइट, एम जी एच, लेकिन एच कितना है यहां पे? व्हाट इज एच? एच कितना है यहां पे? कोई बोलेगा सर ये इनिशियल था, ये फाइनल था, ठीक है, ये था बेसिकली y1, मतलब आप एक्चुअली देखोगे तो ये मेरा पॉइंट था y1, और ये मेरा पॉइंट था कितना y2, तो h की वैल्यू कितनी थी? ये जो h था, ये h की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? h की वैल्यू कितनी थी? y2 माइनस y1, याद है क्या? सॉरी y1 माइनस y2, इस केस में h इज इक्वल टू क्या? y1 माइनस y2, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था उसके हिसाब से mg h होगा पॉजिटिव, तो mg इनटू क्या? y1 माइनस y2 रहेगा. डज इट डिपेंड अपॉन x2 माइनस x1? डज इट डिपेंड अपॉन x2 माइनस x1? मुझे बताओ, डज इट डिपेंड अपॉन x2 माइनस x1? नहीं. क्या मुझे बताओ, ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, मतलब मुझे बताओ मास कहीं से भी आओ, ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, ग्रेविटी का डायरेक्शन बदल रहा है क्या? क्या ग्रेविटी का डायरेक्शन बदल रहा है यहाँ पे? नहीं बदल रहा है. ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, कहीं से भी उसको लेके आओ. पाथ वन देखो, पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री, कहीं से भी लेके आओ, वन टू थ्री, कहीं से भी लेके आओ, ग्रेविटी का डायरेक्शन तो इट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड की नहीं, बताओ मुझे. अब ये मैंने आपको रटवाया था हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड ग्रेविटी का डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट. अभी हम देखेंगे प्रूफ, ठीक है, आई विल सी द प्रूफ. प्रूफ देखेंगे कि कैसे, क्यों, व्हाई द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज दिस एम जी इन टू एच, फिर एच इज वाई वन माइनस वाई टू, क्यों, ठीक है. अब वो कैसे करेंगे देखो, मुझे बताओ वर्क डन का मेरा बेसिक फॉर्मूला क्या था. व्हाट इज वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर. अब यहां पे जेड लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू, कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत है क्या? एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है, चलो. राइट फोर्स वेक्टर, राइट फोर्स वेक्टर, व्हाट इज फोर्स वेक्टर? यहाँ पे फोर्स वेक्टर की वैल्यू कितनी है? ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, तो माइनस एम जी जे कैप है कि नहीं? माइनस एम जी जे कैप है कि नहीं? एक मिनट, कोई आया हुआ है, एक मिनट रुको जरा. Guys, मुझे बताओ व्हाट इज फोर्स वेक्टर? mg डाउनवर्ड, तो mg डाउनवर्ड फोर्स को क्या लिखते हैं? माइनस mg जे कैप लिखेंगे कि नहीं? अब जिसको ये mg, इसको जो जो बंदा है जिसको mg नीचे माइनस होता है वो पता नहीं है भाई तुम्हारा, तुम भूल गए हो सब कुछ. अरे कोई भी फोर्स जो नीचे है mg, उसको हम लोग माइनस mg जे कैप लिखते हैं ना भाई, क्या भूल गए? ठीक है, व्हाट इज ds वेक्टर? dx i cap plus dy j cap. मुझे बताओ ये सही है क्या? ये सही है क्या? मुझे बताओ, मैंने f वेक्टर लिखा, ds वेक्टर लिखा, क्या ये सही है? अब मुझे बताओ दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करूंगा क्या बचने वाला है? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा क्या बचने वाला है? अरे क्या बचेगा? इधर dz भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, dz k cap, dz का कुछ काम ही नहीं है वैसे. क्या बचने वाला है बताओ मुझे? आप सिर्फ j cap बचेगा भाई, सिर्फ j cap बचेगा कि नहीं? जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ना इतना मैथ्स, मैं आपको ये जो थोड़ा सा अपर लेवल का आज पढ़ा दिया मैंने, ये समझ में नहीं आया थोड़ा देख लेना आप लोग, ठीक है. j cap बचेगा, आंसर कितना आया गाइस? इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे? जो इसका आंसर आएगा, मैं यहां पे लिखता हूं, इसका जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है, एक्स टू कॉमा वाई टू, और यहां पे बचेगा माइनस एम जी डी वाई, माइनस एम जी डी वाई. मुझे एक बात बताओ, एम जी एंड माइनस एम जी सब कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज वॉट? वाई एंड लिमिट फ्रॉम, मुझे तो यहां पे एक्स का लिमिट का कुछ काम है क्या? क्या मुझे होता है यहां पे एक्स का लिमिट का कुछ भी काम है?
नहीं है, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे इसका आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस एम जी, तो माइनस एम जी वैसा का वैसा रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज वाई लिमिट फ्रॉम एक्स वन कॉमा वाई वन टू एक्स टू कॉमा वाई टू। बट तुम लोग को सबको पता है यहाँ पे वाई है तो एक्स का कुछ काम ही नहीं है, यू विल पुट वाई टू, यू विल पुट वाई वन एंड यू विल सब्ट्रैक्ट बोथ। तो यहाँ पे आंसर क्या है, माइनस एम जी वाई टू माइनस वाई, माइनस अंदर चला गया तो एम जी इंटू वाई वन माइनस वाई टू। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो आया ना अपना वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया, वाई एम जी वाई वन माइनस वाई टू। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, मेरा प्रूफ हो गया कि ग्रेविटी का वर्क डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी पाथ, क्योंकि वेक्टर के हिसाब से ये इस तरीके से लिखा जाता है, फोर्स वेक्टर इज माइनस एम जी जे कैप एंड डीएस वेक्टर। देखो इस टाइप से आप लिखोगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे सम आपके सॉल्व हो जाएंगे ये मेथड से, ठीक है। तो गाइज मैं अभी ज्यादा बोर नहीं करूंगा, ये दो क्वेश्चन काफी है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट एंड इट बिकम्स कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स बन गया, समझ में आ रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स बन गया, ठीक है। चलो इतना लिख के रखो, इतना लिख के रखो गाइस। अब आगे मैं और भी कमेंट नहीं डालूंगा कि आपको समझ रहा है लिख के, नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो देखो, क्योंकि थोड़ा सा अपर लेवल का कंसेप्ट है, अपर लेवल का कंसेप्ट थोड़ा सा बाउंस जाता ही जाता है कुछ कुछ लोगों के जिनका मैथ सही नहीं होता, ठीक है। जनरली ऐसे कंसेप्ट में एकदम एंड एंड में पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। इनको नहीं समझ में जाके मतलब बाद में वीडियोस वापस देख लेना, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू ना अनदर कंसेप्ट, फटाफट इसको लिखो। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव मैंने आपको समझ मतलब बता दिया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने वाला हूं, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो मुझे ब्रेक के पहले पढ़ाना है, ठीक है। ब्रेक के पहले एक कंसेप्ट और मुझे पढ़ाना है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, वो अभी तक हुआ नहीं है अपना। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट कंसेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन आज के एडवांस प्लस लेक्चर में पढ़ाऊंगा, एडवांस प्लस लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन, चलो गाइज आगे बढ़े। लिख के हो गया ये चीज, हाँ पानी भरा मैंने। ध्यान में रखना, इसीलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी इज ऑलवेज एम जी एच, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, एंड इसका प्रूफ यहां पे है, ठीक है। And so it is conservative force. ओके सॉरी, मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस उल्टा मार्क किया है, राइट सॉरी, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, कोई मुझे जैसे अद्वैत तूने भी बताया एक्स एंड वाई एक्सिस, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा क्या बोल रहा तू, एक्स एंड वाई एक्सिस उल्टा मार्क किया मैंने, ठीक है। चलो गाइज यहाँ पे देख लो गाइज, ये हो गया लिख के आपका। सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्प्रिंग टाइप का फोर्स हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव हो गया,
और ग्रेविटी फोर्स भी कंजर्वेटिव हो गया, दोनों का आपको समझ में आ गया। गाइज 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 अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? ये था वर्क एनर्जी थ्योरम, याद है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मेरा था वर्क एनर्जी थ्योरम, ये था मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। अब इसके साथ साथ देखो, ये सबको याद रहता है क्योंकि ये अपन बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इसका काम आता ही आता है। मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत ज्यादा काम में आने वाला, ठीक है, बहुत सारे जगह पे काम में आता है, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब इसी टाइप का और एक थियरम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है आगे वाला, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो यहां पे वर्क डन, वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे या फोर्स होगा, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इज इक्वल टू माइनस ऑफ, गाइस माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने क्या लिखा था, तो ये इसी को मैंने डायरेक्टली ऐसा लिखा है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव CF कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको समझ में आ रहा है, ये लिखना है आपको एकदम स्टार मार्क करके, बहुत काम का, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। एंड दैट्स हाउ वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, यहां से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना चालू करेंगे, ठीक है। दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी को के ही लिखते हैं ना अपन, के डॉट ई, वैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पी डॉट ई लिखेंगे, इसका सिंपल एकदम और सिंपल अच्छा है यू। तो क्या बोला मैंने, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काम खत्म। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। गाइस कुछ लोग बोल रहे सर काइनेटिक से पोटेंशियल कैसे हुआ, यहां पे क्या दिख रहा है आपको, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहां पे क्या दिख रहा था, यहां पे क्या दिख रहा था, इसमें और उसमें फर्क क्या है? यहां पे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो ऑल द फोर्सेस में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल सब आते हैं ना। अरे भाई यहां पे ऑल दिया है ना, ऑल, तो ऑल में क्या क्या आता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स CF, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन वाला टाइप का, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे अलग से। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में सारे फोर्सेस आ गए, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो अपना मेन थियरम, दैट इज वर्क एनर्जी थियरम, भगवान वाला थियरम, ठीक है। बट मैंने यहां पर क्या लिखा है, वर्क डन बाय सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, सिर्फ कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब समझ में आया, अब समझ में आया, तो यहां पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेना है। ये एक अलग थ्योरम है, ये एक अलग थ्योरम है, ये भी वैलिड होता है और ये बहुत सारे डेरिवेशंस में काम में आता है। बताएंगे ईशान, बताएंगे, पहले ये लिखो। अब ये थियरम है भाई, थियरम है, थियरम मैंने मतलब मैंने प्रूफ F इज इक्वल टू एम ए कैसे बोल दिया वैसे, ये थियरम है, ठीक है। सो U इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी को U भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी P डॉट E लिखने से अच्छा U लिख दो, U कैपिटल U सिंबल है भाई वो। सो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से भी लिखा जाता है, U सिंबल से भी उसको लिखा जाता है, ठीक है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस ऑफ फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, चलो ये लिख के हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आएगा, अभी दिमाग मत लगाओ, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा।
अब याद करो, थोड़ा सा याद करो, नहीं, सरप्राइज ऑफलाइन लेक्चर्स का नहीं है गाइस, ऑफलाइन लेक्चर्स तो वैसे भी सब जगह पे चालू होने वाले या हो रहे, ठीक है, ऑफलाइन लेक्चर्स का सब सरप्राइज लेक्चर का तो ऑफलाइन लेक्चर्स का ही नहीं, सरप्राइज हमारा कुछ अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, कितने टाइप की एनर्जी होती है बताओ मुझे, कितनी टाइप की एनर्जी होती है? दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबको याद है। टाइप्स ऑफ एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, सबको पता है, ये मैंने ऑलरेडी करवाया था। पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है याद करो, जो हम लोग को पता है पोटेंशियल एनर्जी, एक जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, प्लस एमजीएस माइनस एमजीएस, कहीं से जीरो मानना है, देखो मैंने ये आपको लिखवाया था एक बार, राइट, कहीं ना कहीं पे ये लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी को यू भी बोलते हम लोग, यू पी डॉट ई की जगह यू भी बोलते, तो हम लोग ने क्या बोला था, प्लस एमजीएस माइनस एमजीएस, याद है, और इसको हम लोग बोले थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दो टाइप की होती है, एक थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पीई पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी कौन सी थी, स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बताओ मुझे, प्लस माइनस एमजीएच थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, प्लस माइनस एमजीएच थी, ऊपर एमजीएच नीचे माइनस एमजीएच, याद है। और ये जो होता है ना जीरो, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस, इसको बोलते हैं रेफरेंस, तो रेफरेंस यहाँ पे जीरो था, जैसे ग्राउंड में कहीं तो जीरो मानने का, फिर उसके ऊपर प्लस एमजीएच, नीचे माइनस एमजीएच, ऐसा बोला था कि नहीं बोला था मैंने। और स्प्रिंग एनर्जी कितनी थी, स्प्रिंग एनर्जी याद करो, स्प्रिंग एनर्जी कितनी थी, कुछ भी हो, स्प्रिंग स्ट्रेच किया है या फिर कंप्रेस किया है, दोनों टाइम में इट इज प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, याद है, इट इज प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, इट इज नॉट माइनस। ग्रेविटेशन में प्लस माइनस दोनों था, स्प्रिंग में ऑलवेज प्लस, याद है कि नहीं ये सब चीज, गाइस ये चीज याद है। कोई बोलेगा सर इसका डेरिवेशन क्या है, मतलब आपने तो बोल दिया कि ये प्लस, अब हमको ये पता था कि सर वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस माइनस एमजीएस हो सकता है, बराबर, आपको याद है क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस एमजीएस माइनस एमजीएस हो सकता है, बट फिर ग्रेविटी का वर्क प्लस माइनस एमजीएस हो सकता है, स्प्रिंग एनर्जी का वर्क भी प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो सकता है, तो स्प्रिंग एनर्जी एंड ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिराइव हुआ, अब आपको समझ में आया कैसे डिराइव हुआ, पहले तो ये मैंने आपको ऑलरेडी रिजल्ट बता चुका था, मैं ये रिजल्ट मैंने ऑलरेडी बताया था, अब हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट आया कहां से, उसका डेरिवेशन, ठीक है, जो मैंने बोला थ्योरेटिकल पार्ट पहले पढ़ेंगे, तो यही पार्ट अभी, इसका पहले अपन क्या देखेंगे, इस डेरिवेशन देखेंगे, सो लेट्स सी इसका डेरिवेशन क्या है, ये मुझे पहले बताओ, समझ में सबको, मतलब समझ में आया, ये तो अब मैंने किया था, अब ये किया था तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन सब लोग यहां पे देखो गाइस, इसका डेरिवेशन देखो, अब सब लोग डेरिवेशन देखो, सब लोग डेरिवेशन देखो पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट में आपको पढ़ाने वाला हूं, सो एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है उसका कंसेप्ट, ठीक है, सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी और वो बेसिकली क्या है, ये सब कुछ मैं भी आपको बताने वाला हूँ, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। लास्ट स्लाइड, ये स्लाइड एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, आपको चाहिए तो टेक द स्क्रीनशॉट, वैसे ही पढ़ा के रखा है मैंने, तभी भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था आपको, व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बोलो मुझे, फॉरगेट अबाउट, देखो फॉरगेट अबाउट अपना वर्क एनर्जी थ्योरम, अब मेरा दूसरा थ्योरम क्या था, वर्क डन, यहां पे देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पीई लिखने से अच्छा ना, डेल्टा पीई वगैरह लिखने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, माइनस ऑफ क्या, नथिंग बट व्हाट, माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखू मैंने, यू लिखू यू, ये समझ में आया क्या सबको, नहीं आपको ये डेरिवेशन लिखना है, ये डेरिवेशन मतलब आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद फिर डेरिवेशन का कुछ काम नहीं, फिर इसको छोड़ देंगे अपन, कुछ अपना करेंगे, ठीक है, लेकिन ये सबको आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब पहला मेरा डेरिवेशन,
ठीक है। अब मेरा पहला वाला केस जो था, केस वन क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, प्लस माइनस एमजीएच। हाउ, ये था पता है ना। सो ग्रेविटेशनल जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग को जीपीई मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये लिखना है आपको, इस प्लस माइनस एमजीएच। हाउ, ठीक है, वाई, कैसे कैसे, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पे सब लोग देखो, यहां पे सब लोग देखो, या केस वन नहीं, इसके दो केसेस करता हूं फटाफट, यहां पे सब लोग देख लो। केस वन, सब लोग यहां पे देखो, ग्राउंड है, ग्राउंड है, ये मास एक मैंने हाइट h पे रखा है, मैंने हाइट h पे रखा है, मैंने मुझे बताओ इस मास m को यहां से छोड़ा तो ये मास कहां पे आने वाला, इस मास m को यहां से मैंने छोड़ दिया कहां पे आने वाला, ग्राउंड पे, ग्राउंड पे आएगा, ठीक है। अब जब ये ग्राउंड पे आएगा, अब मैंने बोला अब मुझे कहीं ना कहीं पे, गाइस कहीं ना कहीं पे रेफरेंस जीरो लेना पड़ता है। तो मैंने बोला कि यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी, ग्राउंड की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इधर, वो जीरो पकड़ लेते हैं। मैं सपोज इसको ग्राउंड को जीरो पकड़ लिया, मैंने ग्राउंड को अभी जीरो पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से सपोज मैंने ग्राउंड को जीरो पकड़ा और मैंने इस मास को यहां से छोड़ा एच हाइट से, तो फाइनली मास कहां पे आने वाला है, फाइनली मास यहां पे आने वाला है कि नहीं, फाइनली मास यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आएगा, ठीक है, फाइनली मास यहाँ पे आएगा, ठीक है। फाइनली जब मास यहाँ पे आएगा, इसका कुछ ना कुछ स्पीड भी होगा। मुझे बताओ इस पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी दिख रही है क्या, इस पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी दिख रही है क्या? तो कुछ काम है काइनेटिक एनर्जी का अभी अपने इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, कोई काइनेटिक एनर्जी का काम है क्या? नहीं है। चलो ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले अपना इक्वेशन लिख देंगे, जो अपने को पता है वो इक्वेशन लिख देंगे। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू एफ माइनस यू आई। मुझे बताओ यू आई की वैल्यू अपने को पता है? नहीं पता। मुझे तो यू एफ की वैल्यू पता है कि नहीं पता? क्या मुझे यू एफ की वैल्यू पता है? यस पता है, ये यही है, खुद ही तो यू एफ है ना, जो मैंने जीरो मान लिया है, जो मैंने जीरो मान लिया है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहां पे मुझे इस ब्लॉक के ऊपर कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है? क्या मैंने बताया था आपको ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स होता है? अरे ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि नहीं होता? होता है ना। सो ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो मुझे बताओ ग्रेविटी अपना कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे, तो mg तो नीचे है, तो मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा। और यूएफ की वैल्यू तो जीरो है यहाँ पे, जीरो माइनस यू आई। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, और वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे कितना है, एमजीएच। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, एमजीएच। तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, प्लस आई या माइनस आई? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, एमजीएच आई, प्लस आई, राइट? तो मैंने मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे जीरो माना है, तो जीरो के जब ऊपर होते हैं एच हाइट पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एमजीएच प्लस होती है कि नहीं, यहाँ पे प्लस एमजीएच होती है कि नहीं? अब उल्टा करते हैं, मतलब मैंने ऐसा मान लिया, अब ऐसा पकड़ लो ये एक केस, तुम दोनों साथ में लिखना। फिर मैंने सपोज यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली, जीरो मान ली, ठीक है। अब यहां पे देखो मैंने एक मास एम को यहां से छोड़ा, ये मेरा इनिशियल पार्ट है, ये मास कहां पे आएगा, सपोज हाइट एच से नीचे आया। अब मुझे बताओ यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे कितनी है, अरे वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे कितनी है, सपोज हाइट h से नीचे आया, लेकिन मैंने जीरो कहाँ पे माना, देखो मुझे कहीं ना कहीं पे रेफरेंस मानना पड़ेगा। सो दिस इज माय रेफरेंस, रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या है, ये रेफरेंस है। सो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल जीरो माना, तो मतलब यू आई की वैल्यू जीरो है, यू एफ की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे होता वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना है यहाँ पे, प्लस एमजीएच है, एमजी भी नीचे एच भी नीचे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस एमजीएच इज इक्वल टू माइनस यूएफ। अब यहाँ पे यूएफ निकालना है,
ठीक है, यूआई मुझे जीरो दिया हुआ है, आपको समझ में आया? तो यूएफ की वैल्यू क्या आई, तो यूएफ की वैल्यू यहाँ पे आई माइनस एमजीएच, तो ये प्रूव हो गया कि नहीं हुआ बताओ मुझे। सपोज मैंने यहाँ पे जीरो माना है तो हाइट एच नीचे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एमजीएच, यहाँ पे देखो ये जीरो मैंने माना, ऊपर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस एमजीएच, समझ में आ रहा है? आपको डायरेक्टली अभी याद रखना है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, आपको याद क्या रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सपोज मैंने यहाँ पे जीरो मानी, ऊपर रखा मैंने तो प्लस एमजीएच, नीचे रखा मैंने तो माइनस एमजीएच, काम खत्म, समझ में आ रहा है? नाउ रेफरेंस पॉइंट, अब तुम लोग बोलेंगे सर रेफरेंस पॉइंट क्या हम हमेशा ग्राउंड रखेंगे, क्या मुझे बताओ रेफरेंस पॉइंट हम हमेशा ग्राउंड रखेंगे? जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आप कुछ भी रख सकते, रेफरेंस पॉइंट जो जीरो मानना होता है दैट वी कैन कीप एनी पॉइंट, ठीक है, अपन देखते हैं, पहले आप यहां पे लिखो इसको, चलो पहले इसको लिखो, ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ये प्रूव मुझे करना था, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस माइनस एमजीएच, ये जो मैंने अभी आपको प्रूव करके रखा दिया, ठीक है, केस वन केस टू देखो इसको, ये केस वन है ये केस टू है दोनों, गाइस समझ में आया? एंड दिस इज जब मैं कुछ एज्यूम करता हूं, सो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब आप समझ रहे हो, रेफरेंस मतलब यू नीड टू डिफाइन सम रेफरेंस, कहीं ना कहीं भी आपको रेफरेंस लेना पड़ता है कि हाँ बाबा ये रेफरेंस यहाँ पे जीरो है, ये रेफरेंस यहाँ पे, जैसे इस केस में मैंने रेफरेंस जीरो माना, ठीक है, सेकंड केस में मैंने ये जो है वो रेफरेंस कितना माना मैंने, जीरो, ये मैंने रेफरेंस माना, तो कहीं ना कहीं पे रेफरेंस लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? मुझे बताओ ये समझ में आया क्या सबको? ठीक है, अब स्प्रिंग एनर्जी आप प्रूव करके लाओगे, दैट इज योर होमवर्क, स्प्रिंग एनर्जी प्लीज प्रूव, आप प्रूव करो कि स्प्रिंग एनर्जी, कुछ रेफरेंस मान लो, रेफरेंस ऐसा मीन पोजीशन वाला रेफरेंस मान लो आपको चाहिए, तो मीन पोजीशन इज रेफरेंस, ठीक है, आप स्प्रिंग को कंप्रेस किया या एक्सटेंड किया है, दोनों जगह पे स्प्रिंग एनर्जी इज ऑलवेज हाफ के एक्स स्क्वायर, प्रूव करो, ठीक है, स्प्रिंग एनर्जी इज ऑलवेज हाफ के एक्स स्क्वायर, इट इज नॉट माइनस और प्लस, इट इज ऑलवेज प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, चलो इसको लिख दो पहले, इसको लिख दो गाइस, आफ्टर द ब्रेक, अब एक 10 मिनट के बाद मैं ब्रेक दूंगा, ठीक है, 10 मिनट के बाद ब्रेक दूंगा, ब्रेक के बाद क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे गाइस, जो एक्सेल में मैंने आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे जो आपको सबमिट करने, और गाइस क्वेश्चन सॉल्विंग देख लेना, क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोग क्वेश्चन सॉल्विंग, कुछ लोग को सब कंसेप्ट समझ में आते लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो गाइस क्वेश्चन सॉल्विंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, और नीट वाले लोग एंड जेई मेन वाले लोग एक्सेल में के ये जो क्वेश्चंस में देता हूं होमवर्क उतने करोगे ना तो आपका काफी अच्छा खासा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, शशांक सर का भी मैं क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन रखने वाला हूं, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन के ऊपर शशांक सर का एक सेशन होगा जिसमें वो और क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, यस, और इन बिटवीन में भी करवाऊंगा, मतलब मैं भी ऐसे तीन चार टॉपिक एक साथ करके मैं भी आपको अलग 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 क्वेश्चंस मतलब मैं भी करवाऊंगा, देखो एक बार देखो सिंपल सी बात है गाइस, कॉन्सेप्ट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट, कॉन्सेप्ट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्विंग आपको अलग अलग प्रोफेसर्स कर रहे हैं तो उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया फिर वही कंसेप्ट किसी और ने पढ़ाया फिर वही कंसेप्ट आधा कंसेप्ट किसी और ने पढ़ाया, नहीं गाइस, कंसेप्ट पूरा का पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, राइट, ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सॉल्विंग आप जितने लोगों से हो सकता है, अलग अलग लोगों से, अलग अलग प्रोफेसर का अलग अलग अप्रोच होता है, ठीक है,
जितना ज्यादा आपको अप्रोच मिलेंगे उतना अच्छा, जितना ज्यादा आपको अप्रोच मिलेगा क्वेश्चन सॉल्विंग का उतना अच्छा, ठीक है। मतलब आप एक्चुअली एक ही क्वेश्चन को 5 मेथड से करोगे तो आपका ही अच्छा होगा, ठीक है। और भी एक सर आएंगे आपको, वो भी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग कराएंगे, उनका भी क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका देख लो, ठीक है, तो मजा आएगा आपको। हर जगह पे ऑफलाइन में, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर्स में भी अलग अलग प्रोफेसर होंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग कराएंगे, रिविजन कराएंगे, वही जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए उनको वापस वो कराएंगे, ठीक है। तो वो जब कराएंगे, ठीक है, तो हाँ, अमन सर, गाइस, अमन सर सीईटी पढ़ाते हैं, अमन सर जेई मेन के लिए नहीं जाएंगे आपके लिए, लेकिन जेई मेन एंड जेई एडवांस एंड नीट वालों, नीट के लिए जो अलग 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 प्रोफेसर होंगे, ठीक है, राइट, जो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग कराते रहेंगे, जो आपको मजा आएगा, आपको मिलेगा, मिलेंगे आपको अलग अलग लोगों के दर्शन होने वाले, टेंशन मत लो। यस, कंसेप्ट सॉल्विंग, कंसेप्ट जो एक्सप्लेनेशन होता है वो मैं कराऊंगा आपको, तो टीचिंग वाला पार्ट, जो टीचिंग वाला पार्ट होता है टॉपिक का, वो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये थोड़े से डिफिकल्ट चीजें हैं, ठीक है, उसको इजी कराने का काम मेरा होगा, ठीक है गाइस। बिल्कुल, इवन अभी सर दिखेंगे यार, अलग 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 दिखेंगे, टेंशन क्यों लेते हो। चलो यहां पे देखो, ये हो गया, केस टू भी देख लो, केस टू भी लिख दो फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू गाइज, अरे आगे बढ़ू क्या गाइज, आगे बढ़ू, आऊंगा सिद्धेश, जल्दी आऊंगा, तुम्हारा दर्शन हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे बढ़ते हैं। जब चलो, मैंने क्या बोला अभी यहाँ पे, मैंने आपको क्या बोला, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, क्या याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। सपोज मुझे बताओ, मैंने इस पॉइंट को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं जीपी की बात करूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, सपोज इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस जीरो माना, इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस जीरो माना, तो इसके ऊपर हाइट एच पे सपोज ब्लॉक होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे, इसकी रखेंगे mgh प्लस mgh। सपोज यही ब्लॉक नीचे हुआ, हाइट एच से नीचे हुआ, ठीक है, तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी अपन करेंगे, माइनस mgh। आपको डायरेक्टली याद आया है चीज, ठीक है। दूसरा है स्प्रिंग एनर्जी, ये आपको जो मैंने आपको बोला था स्प्रिंग एनर्जी, ये आपको वैसे भी डिराइव करके लाना है, अब के लिए मैं आपको सिर्फ बता के रख रहा हूं। सो दिस इज नेचुरल लेंथ, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ में जब नेचुरल लेंथ होती है तो यहां पे स्प्रिंग एनर्जी जीरो लेंथ है, तो यहां पे जो स्प्रिंग एनर्जी होती है वो कितनी होती है, जीरो। तो यहां पे हमेशा ध्यान में रखना, स्प्रिंग एनर्जी जीरो है, इक्वल टू जीरो। कब, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ मतलब क्या, एक्स इक्वल टू जीरो, आपको समझ में आ रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो, स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है, स्प्रिंग ऐसी की ऐसी रखी हुई है, ठीक है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट यहां पे के है, ठीक है। अब मैंने स्प्रिंग को दबाया, मतलब क्या किया, कंप्रेस्ड किया, ठीक है, तो कंप्रेस्ड किया एक्स से, पूछा था यहां पे स्प्रिंग एनर्जी कितनी होगी, स्प्रिंग एनर्जी कितनी होगी यहां पे कंप्रेस करने के बाद, स्प्रिंग एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई बोलेगा मैं एक्सटेंड किया, कोई बोलेगा सर हमने ना एक्सटेंड किया ऐसे, ठीक है, एक्स से एक्सटेंड किया, स्प्रिंग एनर्जी कितनी होगी यहां पे भी हाफ के एक्स स्क्वायर ही, दोनों में प्लस, कंप्रेस करो एक्सटेंड करो, कंप्रेस करो एक्सटेंड करो, दोनों में स्प्रिंग एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन सेम, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ही होगा, वो माइनस वगैरह कुछ नहीं होगा। बस यहां पे क्या है, कहां पे जीरो मानना है, स्प्रिंग एनर्जी जीरो कहां पे मानते हैं बताओ मुझे, स्प्रिंग एनर्जी जीरो कहां पे, नेचुरल लेंथ पे। तो ये आपको समझ में है पोटेंशियल एनर्जी, सुविधा तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, बाद में और अलग अलग आएंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी, मैग्नेटिक एनर्जी आएगी, न्यूक्लियर एनर्जी आएगी, अलग अलग एनर्जीज आएंगी, जब अलग अलग आएंगी तब पढ़ते रहेंगे, अभी के लिए आगे 5-6 महीना तो यही पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया गाइज, समझ में आया गाइज, आया ना, चलो अब एक लास्ट का, सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे लास्ट का, ये लिख के रखो, ये लिख के रखो, ये लिख के हो गया,
और इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अपन, लिख के रखो ये। एक छोटा चीज गाइस, एक छोटा चीज यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे दो केस हो गया ना इधर, एक हाफ केस स्क्वायर माइनस हाफ, सॉरी हाफ केस स्क्वायर हाफ केस स्क्वायर, दोनों सेमी केस है यहाँ, ठीक है। चलो यहाँ पे प्लस एमजीएच माइनस एमजीएच, गाइस 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 यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। तो दो वर्क एनर्जी थ्योरम जो मैंने पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? अब दो मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े, मतलब एक दो थ्योरम्स पढ़े मैंने। पहला था अपना वर्क एनर्जी थ्योरम, विच इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पढ़ा आपने, ये पढ़ा आपने। दूसरा कौन सा पढ़ा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, देखो CF इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पढ़ा आपने, दो पढ़ा कि नहीं, दिमाग में है? गाइस आपको पता है क्या एक चीज, अब यहां पे देखो इन दोनों को सुनाओ, व्हाट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। मैं इसी क्वेश्चन इसी को यहां पे लिखता हूं, इसी को वापस में यहां पे, व्हाट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में कौन से आते हैं? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, व्हाट इज NCF, NCF का मतलब होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव, दिस इज कंजर्वेटिव, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, यही तो है ना इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भाई, यही इसको ही तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। अब ये लिखने के लिए मैं लिख रहा हूं, मतलब आपको सब समझ में, एक्सटर्नल फोर्स, यही तो बेसिकली मेरा एक्चुअल वर्क एनर्जी थ्योरम है, बराबर। पूछे बताओ, मैं जब बोलता हूं कि इस बॉडी की टोटल एनर्जी इतनी है, तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या होगा? व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों, मतलब मैं जब बोलता हूं इसकी टोटल एनर्जी इतनी है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों, राइट? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। अब मैं क्या करता हूं ना, टोटल एनर्जी में आपको पता है एक्चुअली हीट वगैरह भी आता है, तो आपकी इंटरनल एनर्जी, अगर हीट होता है अंदर, कुछ कुछ अंदर न्यूक्लियर एनर्जी होता है, लेकिन हम लोग हीट एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी अपन पढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे अभी क्या पढ़ रहे हैं? एट प्रेजेंट मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अभी क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग टोटल एनर्जी नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलेंगे गाइस? मैकेनिकल एनर्जी, सिंपल। सो टोटल मतलब मैं अभी यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा, ठीक है, ये आपका सबका लिख के हो गया, ये समझ में आपको, मैं इसके आगे बढ़ूंगा। अब मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे इधर भी लिख के रखता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलेंगे ME, ME का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी। एक्चुअली टोटल एनर्जी हो गया, टोटल एनर्जी इन मैकेनिक्स इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी मैकेनिक्स में हम लोग उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते, काम खत्म, ठीक है। सो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी, समझ में आ रहा है? तो मतलब किसी ने, अब यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो, अब मैं क्या करूंगा इन दोनों, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, सब लोग यहां पे देखो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वेशन को यूज करने वाला हूं मैं। अब यहां पे सब लोग देखो, पहले मैं यहां पे लिखता हूं मैं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, जो क्या था अपना एक्चुअल वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। फिर मैं ये स्टेप ऐसे लिखता हूं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस इसके जगह पे मैं क्या डालूंगा, व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अभी तो मैंने पढ़ा क्या था, माइनस ऑफ क्या, चेंज इन क्या, पोटेंशियल एनर्जी था ना, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, अभी जस्ट पढ़ा मैंने, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस को ही माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब देखो दोनों थ्योरम जो पढ़े मैं इसको दोनों कंबाइन कर लो, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था। अब मैं इसको इधर लेके जाऊं, क्या मिलेगा,
वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैं इसको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी लिख सकता हूं? कैन आई राइट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो मैंने अभी यहां पे पढ़ा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? दैट इज मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, लिख सकता हूं कि नहीं बताओ? अब मुझे बताओ क्या मैं इस चीज को जीरो किया, सपोज बॉडी पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन का वर्क जीरो है या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क जीरो है, मुझे एक बात बताओ इसका वर्क सपोज जीरो है तो क्या ये भी चीज जीरो हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये चीज जीरो हुआ कि नहीं हुआ? ये जीरो है तो ये भी जीरो हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे होता ये जीरो हो गया तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। क्या बोलते हैं इसको गाइस बताओ मुझे? टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम पहले इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनल, इसको ही हम लोग बचपन में क्या बोलते थे, इसी चीज को हम बचपन में क्या बोलते थे गाइस, इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। याद है कि नहीं है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व। तो मुझे बताओ एनर्जी कंजर्व कब होगी? तो मुझे बताओ एनर्जी कंजर्वेशन का यहां पे एक्चुअली डेफिनेशन क्या बनेगा बताओ मुझे? वी कैन कंजर्व टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सब लोग सुनो यहां पे, वी कैन कंजर्व टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, राइट? When the work due to non-conservative force and the work done due to external force is zero होता है, तभी तुम लोग energy conserve कर सकते हैं, right? तो मुझे तो ये भी जो भी मैंने आपको derivation बताया, ये सब चीजों को दोनों को combine करके जो भी मैंने आपको बताया, एकदम simple guys, बहुत सारे लोग इस equation को use करते हैं questions को solve करने के लिए, खास करके NEET वाले questions जो होते हैं, NEET वाले question, मैं आपको अभी अलग-अलग questions आपको बताऊंगा, ठीक है? अगले लेक्चर में भी आपको बताऊंगा कुछ कुछ क्वेश्चन, अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग बची है, मतलब थ्योरी पार्ट अपना खत्म हो चुका है, ठीक है? थ्योरी पार्ट अपना खत्म हो चुका है, ठीक है? सो गाइस, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सो इनिशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना, and this is called energy conservation. तो आप ये सबको फटाफट लिख दो, आप लोग यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दो, this is equation number one, which is work energy theorem जो अपन ने पढ़ा था, जो मैंने यहां से यहाँ पे यूज किया, this is my second theorem जो मैंने आपको बताया, work done by conservative force को ही माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, फिर इसको यहाँ पे लेके गए, ये आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों को क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड इसमें अपन ब्रैकेट में लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ठीक है? और दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी बेसिकली, बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस वी कैन राइट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, जब ये जीरो होता है तो ये भी जीरो होता है, ठीक है? काफी थ्योरी पढ़ा दिया मुझे लगता है, मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारी थ्योरी खत्म कर दी है वर्क एनर्जी पावर की। अब छोटा सा पावर और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम वाला चीज बचा हुआ है, जो एकदम सिंपल वाली थ्योरी है, जो मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग बची, इन शॉर्ट अभी ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग इज लेफ्ट, ओनली क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है गाइस? एग्जाम्पल ऑन वर्क डन बाय फ्रिक्शन वगैरह सब क्वेश्चन सॉल्विंग में आएगा गायत्री, ठीक है? यह समझ में आया तुमको गाइस? लिखो फटाफट लिख दो गाइस, फटाफट लिख दो।
यहां पे ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है इसमें, कंडीशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ब्रेक ले लो, अभी इसका लिख के ब्रेक ले लो, 3:15 हुआ है ना, सो लेट्स मीट एट 3:30 गाइस, 3:30 को मिलते हैं, 3:30 बजे मिलते हैं, 3:30 लेट्स मीट एट 3:30 PM, 3:30 PM लेट्स मीट, लास्ट के हाफ एन आवर बचा हुआ है, जितना भी हो सकता है 4-5 क्वेश्चन कर लूंगा मैं, और अगले लेक्चर में मैं और 4-5 क्वेश्चन, अगले लेक्चर में तो मतलब जो बचे हुए इधर उधर के क्वेश्चन कर लूंगा मतलब शशांक सर का भी आपको लेक्चर लगेगा, ठीक है गाइस। चलो फिर मिलते हैं, फटाफट कर लो, अभी एचसी वर्मा लेके बैठो गाइस इसके बाद, सो 3:30 को एचसी वर्मा आपको लेके बैठना है, ठीक है, एचसी वर्मा लेके बैठना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए था टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, क्योंकि मुझे अभी मेरा ये तुम लोग दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे मोबाइल चार्जिंग पे लगाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर वो लिखो ब्रेक में, ध्यान में रखना दिस NCF इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड AXTF, मतलब एक्सटर्नल फोर्स, CF इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, हो गया लिख के, चलो बाय गाइस, मिलते हैं 3:30 को।
चलो गाइस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअली क्या ना, कॉफी बनने को टाइम लग गया, मैं बैठा था उसके बाद मुझे क्लिक हो गया कि चलो कॉफी बनाना है थोड़ा सा। ये है ना, एक्चुअली एक मिनट रुको, इधर ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब सब लोग देखो यहाँ पे, सबको सबको सर पे सबको आ रहे हैं, अभी नहीं बाद में मतलब। चलो एक काम करो, फटाफट ये खोलो, एचपी वर्मा खोलो, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एचपी वर्मा क्वेश्चन नंबर, चलो एक काम करो पहले क्वेश्चन नंबर 36 करो, एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 36 डायरेक्ट जंप मारो, क्वेश्चन नंबर 36 एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 36 एचसी वर्मा, ठीक है क्वेश्चन 36। ठीक है सिर्फ पढ़ो एक बार, फटाफट पढ़ो, एक तीन चार क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे अभी, तीन चार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर क्वेश्चन बाद में करते हैं। ठीक है बाकी तुम लोग करो, जिन लोगों ने किया कोई दिक्कत नहीं है, एक दो क्वेश्चन करते हैं। मुझे थोड़ा सा और भी बताना है जो अगले लेक्चर में मैं स्टार्टिंग में एनर्जी कंजर्वेशन से भी बताऊंगा। लास्ट में क्या है, आधे लोग का फ्यूज उड़ जाता है, तो इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन वाला मेथड का अभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है बाद में बताऊंगा। Yes, पेज कितना है, पेज 134 राइट, पेज 134, पेज 134। चलो गाइस क्वेश्चन देखो यहां पे, क्वेश्चन नंबर 36 पेज 134 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो। सो बेसिकली ऐसा करके एक ये है, ठीक है, और ये दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 0.5 मीटर। एक ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ दिया, एक ब्लॉक को यहाँ पे छोड़ दिया मास m को, ऐसे गया इधर आया, तो ऐसा बोला हाउ फार फ्रॉम द ट्रैक, ठीक है यहाँ पे क्या बोले, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड, ये क्वेश्चन है। सब लोग यहाँ पे देखो, मतलब एक मास को 1 मीटर, यहाँ पे हाइट 1 मीटर, यहाँ पे 0.5 मीटर एक मास को यहाँ पे छोड़ा, तो ऐसे करके ऐसे आएगा, तो इधर से कितना डिस्टेंस आगे वो गिरेगा, ये एचएलएम का क्वेश्चन नंबर 36 है, पेज नंबर 134 पे। ठीक है जिनके पास नहीं है प्लीज गाइस देखो, या फिर मैंने जो बताया उसको समझ में आएगा आपको अभी। ठीक है चलो, तो पहले तो मुझे बताओ, जब ये ब्लॉक इधर से इधर आएगा तो यहां पे मुझे बताओ, यहां तक यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी पड़ेगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है गाइस, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो मुझे तो यहां से इसका जो फाइनल वेलोसिटी यहां पे निकालना है, अभी आपको काइनेमेटिक्स नहीं लगाना है, इसके लिए आपको क्या लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो पहला स्टेप तो ये होगा, ठीक है पहले तो अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, चलो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लगा देंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है बताओ मुझे, एम जी और एच, एच कितना है यहाँ पे, हाइट कितना है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो हाइट है वो ये है राइट, दिस इज माई हाइट यहाँ पे राइट, तो एच की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर माइनस 0.5 मीटर, तो आंसर कितना है यहाँ पे, 0.5 मीटर हाइट है उसकी, ठीक है 0.5, तो यहाँ पे क्या होगा, एम जी इंटू 0.5, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस जीरो। अब यहाँ पे देखो mm कैंसल, तो v की वैल्यू कितनी आई, कोई बोल सकते है v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आई गई रूट जी या रूट 10,
रूट जी बोल सकते हैं, जी की वैल्यू 9.8 या 10 ले लो, अपन रूट जी रख देते हैं, यहाँ पे वी इक्वल टू रूट जी रख देते हैं। अब मुझे बताओ वी की वैल्यू यहाँ पे रूट जी आई, तो रूट जी जब आई, ठीक है, अब मुझे बताओ ये रूट जी आई तो यहां से यहां पे क्या होगा गाइस, अब कौन सा क्वेश्चन हो गया, यहां से यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम, और जैसे यहां से यहां पे आया ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल, ठीक है, काम खत्म भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, याद करो थोड़ा सा, प्रोजेक्टाइल मोशन इनिशियल वेलोसिटी दिया है, यूएक्स यूआई वगैरह करना होता है, सब यहाँ पे याद करो, फिर हम लोग एक्स एंड वाई एक्सिस बनाएंगे फटाफट, तो ये हो गई मेरी वाई एक्सिस, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, फिर हम लोग क्या करते हैं, अब सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन का जिसमें हम लोग वर्क प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, यहां से यहां पे गया, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे गाइस, ये ऐसा है तो यूएक्स की वैल्यू क्या हो गई, सो यूएक्स एक्स, यूएक्स हो गया रूट जी, एक्स हो गया जीरो, बराबर ना, ठीक है, UI क्या हो गया, UI क्या हो गया, UI हो गया जीरो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है, जीरो है, ठीक है, AY कितना है, AY कितना है, माइनस जी, AY माइनस जी, सब लिख दिया ना मैंने, अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, काइनेमेटिक्स में सब पड़ा हुआ है, ये भी एक जिसको नहीं लिखने को आ रहा है भाई काइनेमेटिक्स देखो, ठीक है, हाँ जब ये इधर से इधर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज अलोंग y एक्सिस, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट sy माइनस 0.5 है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना है, माइनस 0.5 मीटर, तो बस जब ये इधर से इधर आएगा, y इधर से इधर जाएगा, बस sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर कर दो, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt, सेम चीज कुछ नहीं है, यहाँ पे -0.5, u की वैल्यू जीरो है, ay की वैल्यू माइनस जी है, तो यहाँ पे माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आई गाइस, अंडर रूट ऑफ 1/g, बराबर ना, अब कुछ लोगों ने 10 मिनट डालना चालू किया, जी की वैल्यू 10 या 9.8 डाली होगी, अपन जी को जी रखते हैं, तो टाइम आ गया, अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो एस एक्स की वैल्यू क्या होगी, यूएक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, यूएक्स की वैल्यू कितनी है रूट जी, तो रूट जी इंटू 1/√g, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना आएगा 1 मीटर, सबको समझ में आ रहा है गाइस इसका सॉल्यूशन, आपने होमवर्क में किया था, जस्ट मैंने फटाफट आपको करके दिखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क एनर्जी थियरम एंड प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों साथ में आ गए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करते 37, क्वेश्चन नंबर 37 एक बार पढ़ लो, इसके आगे का ही क्वेश्चन एचसी और माखन, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में आपको होमवर्क वैसे भी सबमिट करना ही है, या कुछ लोगों ने इसको किया ही होगा, स्क्रीनशॉट लेके रखो, मैं 3-4 क्वेश्चन करता हूँ, ज्यादा नहीं आज, ठीक है, फिर ये सेम सारे क्वेश्चन हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, चलो पहले ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 37, अब क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ लो सब लोग, गाइस यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, अब ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन, 10 न्यूटन मतलब 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है, या कभी कभी लोग जी इक्वल 9.8 लेते हैं, तो बेसिकली इन शॉर्ट नॉर्मल फोर्स जो यहाँ का, मतलब यहाँ पे जब रफ सरफेस पे आएगा, नॉर्मल फोर्स इज गिवन 10 न्यूटन, या हम लोग अभी देखते हैं 1 kg का ब्लॉक
ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे 10 में पकड़ लेता हूँ, अभी जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, काम नहीं है इसका, तभी भी लिख के रख रहा हूँ मैं ऐसी, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। 1 kg का ब्लॉक यहाँ से छोड़ दिया, ऐसे करके आ गया, यहाँ पे क्या बोला है, दिस सरफेस इज स्मूथ, मतलब जो कर्व सरफेस है इट इज स्मूथ, और जैसे ये रफ सरफेस पे आ गया, जैसे ये रफ सरफेस पे आ गया, यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.2 दिया है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहां से यहाँ पे आएगा, जोरदार आएगा, ग्रेविटी की वजह से इसका स्पीड बढ़ रहा होगा, जैसे ही रफ सरफेस पे आएगा फ्रिक्शन की वजह से इसका स्पीड क्या होने लगा, क्या फ्रिक्शन की वजह से इसका स्पीड क्या होने लगा, कम होने लगा, और कम होते होते एक पॉइंट ऐसे आएगा कि जहां पे ये ब्लॉक जाके यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है, जीरो है, जस्ट छोड़ा मैंने, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, तो बोला है कि कितना डिस्टेंस से आगे जाएगा, अब ये तो आगे भी है, लेकिन इन्होंने बोला है कि भाई कितना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एस कितना है, ये निकालना है, कितना डिस्टेंस से रफ सर्फेस पे आगे जाएगा। गाइस गाइस मुझे बताओ इस क्वेश्चन को वन स्टेप में कर सकते कि नहीं कर सकते, मैंने क्या बोला, कभी भी मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम या इस क्वेश्चन में कभी भी इनिशियल फाइनल ढूंढना जरूरी होता है, तो ये हो गया मेरा इनिशियल पोजीशन, ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबके वर्क, अब सबसे कौन से फोर्सेस से बताओ मुझे, यहाँ पे 2-3 फोर्सेस है, कोई बोलेगा सर एक ग्रेविटी फोर्स है, यहाँ पे नॉर्मल है, और यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो मुझे बताओ यहाँ पे सारे जो फोर्सेस होंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, सब लोग यहाँ पे देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है गाइस। एक्सियोरमा क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है, पेज नंबर 134 एक्सियोरमा पार्ट 1, ठीक है, क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपको बता के रखा है, जिनके हाथ में बुक नहीं है तो बुक लेके आओ, नहीं होगा तो पीडीएफ वगैरह देख लो ऑनलाइन, और फिर इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा इसमें, एमजी इंटू एच, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल तो कितना होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, एमजी मतलब कितना फोर्स है, ये 10 न्यूटन है ना, देखो ना 10 mg, तो ये 10 न्यूटन फोर्स दिया है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, 10 × 1, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 10 × 1 पूरे थ्रू आउट मोशन में, देखो मुझे तो ये यहां से ऐसे आया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसका इनिशियल इसका फाइनल, वर्क डन बाय ग्रेविटी एमजी इंटू एच, मुझे तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन का वर्क है क्या, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है क्या, कर्व पाथ में, इस कर्व पाथ में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन कहाँ पे, यहां से यहां पे फ्रिक्शन है, कितना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे ध्यान में रखना, वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन है ये इसकी वैल्यू सिर्फ यहाँ पे है, विच इज इक्वल टू माइनस एफ एस, राइट, माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अरे ये जो फ्रिक्शन आएगा जब ब्लॉक मूव करता है तो कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, सो काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है यहाँ पे आप देखोगे, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में यहाँ पे लिखता हूं चाहिए तो ये आएगा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, अब कितना काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे, म्यू एमजी, ठीक है, इंटू एस, ये है ना वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, तो माइनस म्यू, म्यू मतलब क्या 0.2, एमजी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एस, यही तो है, फाइनल भी कहने के लिए जीरो, इनिशियल भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो, जीरो आ गया आंसर, तो आंसर कितना है 10 इज इक्वल टू कितना 2s, तो मेरा आंसर आ गया, काम खत्म भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, 10 − 2s इज इक्वल टू जीरो, तो s की वैल्यू कितनी आएगी 5 मीटर, समझ में आया सबको गाइस, ये भी क्वेश्चन आपने किया होगा, ज्यादा क्वेश्चन था ही नहीं इसमें, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं था, चलो क्वेश्चन नंबर 40 करो, 40 सब लोग क्वेश्चन नंबर 40 करो, 40 क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, जरा क्वेश्चन नंबर 40 करो, मैंने बोला ना 5 क्वेश्चन करूंगा, अभी दूसरा क्वेश्चन हो गया, नहीं 4 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको हिंट तो मिल जाए, फिर अगले लेक्चर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, 36 भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग,
जिनको नहीं समझ में आ रहा है रिकॉर्डिंग बाद में देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग बाद में देखना, जिनको भी मैं वन गो में समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्विंग, आराम से आपके हिसाब से जब फ्रेश हो जाओगे उसके बाद आप कर लेना, ठीक है। 37 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कर लो, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो सब लोग फटाफट, चलो देखो गाइस क्या होता है कि यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 40 देखो एचसी वर्मा का, इसमें दिया है एक ब्लॉक मास एम का यहाँ पे रखा है इनिशियल पॉइंट पे, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो इनिशियल पॉइंट पे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 35 तुम लोग कर लेना, 1 kg, सॉरी इसका मास 1 kg है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास इज 1 kg, सो ब्लॉक का मास यहाँ पे 1 kg दिया हुआ है, सो 1 kg का ब्लॉक का मास यहाँ पे रखा हुआ है, सुनो इनिशियली थोड़ा सा जेंटल पुश किया मैंने, यहां से ऐसे जाके इधर आया राइट, और इधर आके वो रुक गया, यहां पे दिया इधर आके वो ब्लॉक रुक गया, तो मुझे तो ब्लॉक कब रुकेगा, इन शॉर्ट ये जो पूरा का पूरा जो फ्लोर है ना, इट हैज फ्रिक्शन, सो दिस हैज सम फ्रिक्शन, सम कोएफिशिएंट म्यू विच इज अननोन, ये अननोन है, दिस इज अननोन, म्यू इज देयर, सो this it has friction, this has friction, so friction is not equal to zero. अब मुझे बताओ यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आपने ना स्लोप दिया है ना कुछ दिया है, अब ऐसे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम लोग करने गए तो पूरा इंटीग्रेशन लगेगा ही नहीं फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन तो वेरिएबल हो जाएगा हर जगह पे, नॉर्मल फोर्स बदलेगा, फ्रिक्शन बदलेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट, कितना मतलब हालत खराब हो जाएगी राइट, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते राइट बाय इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या बोला है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, अब ध्यान रखना पहली चीज जब जेई मेन नीट में क्वेश्चन आता है या नीट में जेई मेन में जब क्वेश्चन आता है, इवन जेई एडवांस में क्वेश्चन आता है, तो पहले ना इंटीग्रेशन को अवॉइड करो, ट्राई टू अवॉइड इंटीग्रेशन, मतलब पहले सोचो कि भाई बिना इंटीग्रेशन से क्वेश्चन हो सकता है क्या, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो टाइम लगेगा, नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर वो एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, तो पहले तो आपको देखना है कि भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस तो करोगे ही नहीं तो क्या करेंगे, तो पहले अपने को जो थ्योरम पता है ना वो लिख दो, क्या थ्योरम, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, जब ये ब्लॉक इधर आएगा 1 kg, ठीक है, ये मेरा हो गया फाइनल पॉइंट, इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, बराबर कि नहीं, जस्ट ऐसे जाके इधर रुक गया ऐसा बोला उन्होंने, तो ऐसे जाके यहां पे रुक गया ऐसा बोला, तो मुझे बताओ अब वर्क एंड थ्योरम कौन सा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, देखो यही तो मेरा वर्क एंड थ्योरम है और तो कुछ है नहीं, अब मुझे कोई बोल सकता है व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, इट इज व्हाट एम जी एच, सो एम मतलब क्या 1 × 10 एम जी एच, एच कितना है 1 − 0.8, ये सबको समझ में आ रहा है एम जी एच, so this is h which is 1 − 0.8, 0.2 right, work done by normal kitna hota hai, are work done by normal is piche wala surface fixed hi hai, to work done by normal is always zero, koi panga hi nahi hai usme, to yahi tha, what is work done by friction, what is work done by friction, work done by friction kitna hai nikalna hai, to work done by friction aise hi rakho, is equal to change in kinetic energy, final भी zero, initial भी zero है, zero, भाई direct answer आ गया तुम्हारा, so work done by friction की value कितनी आएगी, 0.2 × 10 −0.2 − 2 joule, काम खत्म, ये 0.2 × 10 two इधर गया तो −2, काम खत्म, यही मेरा answer है, कितना easy question था देखो ना, सिर्फ tricky था right question, so you have to think of work energy theorem. That's all, बस कुछ नहीं था इसमें,
वर्क है थ्योरम, एक चीज लगाओ तुम्हारा काम खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक्सप्लेन का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अभी टाइम नहीं बचा है मेरे पास। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 46। फिर है अपने पास एडवांस प्लस में भी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगा मैं आज, एडवांस प्लस में भी क्वेश्चन सॉल्विंग कराऊंगा थोड़ा से अच्छे लेवल की, ठीक है, फिर बाकी लेवल की क्वेश्चन सॉल्विंग में थर्सडे को कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन 46 एक लास्ट का क्वेश्चन कर लेता हूं। यहां पे देखो क्या है क्वेश्चन, एक स्प्रिंग है, एक मास को अटैच्ड है, दूसरी स्प्रिंग है, इस मास को अटैच्ड है, इस स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, मास M है, ठीक है, और बोला है गाइस ये जो है ना इसका मतलब दोनों स्प्रिंग एट प्रेजेंट, दोनों जो स्प्रिंग है यहाँ पे देखो, इधर K1 है, इधर एक स्प्रिंग K2 है, और दोनों स्प्रिंग जो है ना वो इक्विलिब्रियम मतलब मीन पोजीशन में है, मतलब दोनों का x इक्वल टू जीरो है यहाँ पे देखो, मतलब दोनों में ना कोई पुल किया हुआ है, मतलब ना कोई कंप्रेस ना कोई एक्सटेंडेड है, दोनों ऐसे रखा हुआ है। लेट्स से अब मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा ऐसे इधर लेके जाता हूँ, ठीक है, ऐसा पकड़ लो मैं इस ब्लॉक को इधर लेके गया तो मुझे बता कौन सा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। सो दिस स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड ऐसे करके, एंड दिस स्प्रिंग विल गेट एक्सटेंडेड ऐसे करके, बराबर कि नहीं? और मैंने उसको छोड़ दिया, सपोज मैंने एक्स से ये डिस्टेंस एक्स है, यहां से मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या होगा बताओ, यहां से इस मास को मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा, मास जाएगा ऐसे, यस, सो इट विल डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट, इस तरीके से ऐसे डिस्प्लेस होगा। तो बोला है जब ये वापस इस मीन पोजिशन के थ्रू जाएगा तो इसका स्पीड कितना है। अब मुझे बताओ ये ऐसे 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 जा रहा है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पार्ट है, जब ये वापस यहां से इधर तक गया ऐसे करके तो फाइनल, तो इसकी यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है। मुझे बताओ यहां पे दोनों स्प्रिंग सपोर्ट करेंगे अपोज करेंगे, मुझे बताओ दोनों स्प्रिंग यहां पे सपोर्ट करेंगे अपोज करेंगे, दोनों स्प्रिंग यहां पे सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे। गाइज 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 यहाँ पे दोनों स्प्रिंग देखो ना, ये इसको धकेल रही है, इसको खींच रही है, बेसिकली मैंने क्या बोला था, जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होती है या स्प्रिंग एक्सटेंडेड होती है वहां से छोड़ दो दोनों सपोर्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे ये भी उसको सपोर्ट ही कर रही है, ये भी उसको सपोर्ट ही कर रही है, तो दोनों स्प्रिंग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं गाइज। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, वर्क डन बाय स्प्रिंग 1 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग 2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मेरा क्वेश्चन है। वैसे भी वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, ये तो सब जीरो ही है, इसे तो कुछ काम ही नहीं है। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग 1 कितना है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग 1 इज हाफ K1 x2, वर्क डन बाय स्प्रिंग 2 इज हाफ K2 x2, दोनों पॉजिटिव वर्क, दोनों सपोर्ट कर रहे भाई, ये इसको पुश कर रहे, इसको पुल कर रहे, काम खत्म, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल, मतलब हाफ mv² माइनस 0, काम खत्म हो गया तुम्हारा भाई, यही इक्वेशन है, समझ में आ रहा है क्या? चलो अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन कराऊंगा और फिर सारे क्वेश्चंस को हम लोग वापस सारे क्वेश्चन मतलब जो आगे आगे के क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मुझे लगता है, ठीक है, वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अब ज्यादा थोड़ा सा बाउंस हो जाएगा आपको, मैं मतलब ज्यादा खींच लिया है लेक्चर टू द पॉइंट, ठीक है, तो अब ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं। बाय गाइस, मिलते हैं, ठीक है, एडवांस प्लस लेक्चर्स जो होंगे वो कुछ कुछ ब्रांचेस के लिए एडवांस प्लस लेक्चर बाद में हम लोग ने रखे हुए, ठीक है, अभी के लिए बाय गाइस, ठीक है, चलो। प्रीवियस स्लाइड
अरे वी की वैल्यू कर लो ना यहाँ पे अंडर रूट हाफ ऑफ कैंसल के वन एक्स स्क्वायर प्लस के टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो अंडर रूट ऑफ के वन प्लस के टू डिवाइड बाय एम एक्स, ये आंसर आएगा। तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो ना यार, ठीक है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं।